अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑल्स के दुनिया। नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। आइए चलते हैं अपने नॉवल की तरफ। हियर वी गो। माजी। आप परेशान हैं जमाल? मुश्किल सोचों में गुम जमाल साहब को देखकर पास बैठी बोली। जमाल साहब ने बमुश्किल चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर चेहरा उठाया। नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, सोच रहा हूँ कुछ पैसे बचे हैं इनसे कोई छोटा सा घर खरीद लूं या होरुलैंड की आंखों का इलाज करवाऊं। वो बड़ी हो रही है, आगे इसका मुस्तकबिल है, हम सारी ज़िंदगी तो ज़िंदा नहीं रहेंगे ना। ज़िंदगी का क्या भरोसा, इतना तो करें कि वो हमारे जाने के बाद बगैर सहारे के चल सके। बेड पर रखे पैसों को देखते हुए उन्होंने कहा तो मशाल ने दुख से इनके कंधे पर सर रखा। काश जमाल मैं आपकी ज़िंदगी में ना आई होती तो ये सब आपको ना देखना पड़ता। इसके आंसू फिसल कर खूबसूरत गालों पर गिरे। मशाल एक गरीब घर में पैदा होने वाली इंतहाई खूबसूरत लड़की थी और वक्त के साथ बढ़ती महंगाई और गुर्बत से परेशान होकर अपने ब्लड कैंसर के मरीज़ माँ का इलाज करवाने के लिए अपने दोस्तों के सलाह मशवरे पर कुछ अपनी गुर्बत से परेशान होकर इसने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और अपनी खूबसूरत शक्ल और स्लिम बॉडी की वजह से कबूल हो गई। पर जो दुनिया इसे बाहर से रंगीन इंतहाई खूबसूरत लगती थी, इसमें कदम रखते ही इसे मालूम हुआ वो एक दलदल में फंस गई है जहाँ इसे बचाने वाला कोई नहीं था। वहाँ इसे सब कुछ मिला, दौलत, नफरत, गालियाँ, सब कुछ मिला सिवाय इज्जत के। जवान जैसे बर्द किरदार को देने के लिए कोई तैयार ना था। वो जहाँ रहती समझ जाता वो एक दाग है मोहल्ले में, इसका यहाँ रहना इन पर काली है। और इस बात पर सोचो विचार के बाद मोहल्ले वालों ने इसे धक्के देकर वहाँ से निकाला। किसके पास जाती, किससे मदद मांगती? जिसके पास मदद के लिए हाथ बढ़ाती तो इसकी आंखों में हवस होती, जिस पर थूक कर भाग जाती। इसकी माँ जेरे इलाज थी, मॉडलिंग से जो चंद पैसे मिलते थे वो इनकी दवाई पर इलाज पर चले जाते थे, तो कहाँ से लाती? कहीं रहने का खर्च और किराया, और फिर इन हालात में रात के वक्त हॉस्पिटल से लौटते इसका एक्सीडेंट हो गया और वो भी जमाल इलवी की गाड़ी से। मशाल ने बहुत कहा वो ठीक है, पर जमाल ने इसकी एक भी बगैर सुने हॉस्पिटल ले आया। मशाल काफ़ी डर रही थी कि गलत इंसान ना हो, पर इसने जितने इसकी हकीकत को पहचानते हुए भी जो इज्जत इसे इसकी आंखों में देखी इस पर शशधर रह गई। हॉस्पिटल से वापस वो इसी रास्ते पर उतर गई जहाँ इसका एक्सीडेंट हुआ था और वो इनकी आंखों को बहुत भुलाने की कोशिश के बावजूद नहीं भुला पाई थी। और रात के वो अपने ही घर में छुप कर आती और सुबह सवेरे वहाँ से चली जाती और वो इसे भूलना चाहती थी पर नहीं भुला पाई। ये इतफाक था कि इनकी मुलाकात इसी वक्त इसी रास्ते पर रोज़ होती रही और सिर्फ एक झलक एक दूसरे को देखने के बाद वो सारा दिन खुशगवार गुजार लेते थे। अभी मशाल अपने जज्बातों को दबाए बैठी थी कि जमाल ने हिम्मत करके पहल की और ट्रक मशाल के सामने अपना प्रपोजल पेश किया। इसी रास्ते पर इसी वक्त एक पल को मशाल साकित रह गई, पर अपनी हकीकत पहचान देखकर कोई इसे नहीं अपनाएगा, ये सिर्फ इसका वक्ती जज्बा है। वो झड़क कर इसे बोली तुम्हारा मेरा कोई मैच नहीं। काफ़ी बेइज्जती भी की और वह इसके रास्ते से हट जाए, पर इसकी गलत फहमी थी। रात रोज़ हॉस्पिटल से लौटने के बाद जमाल को अपना मुंतजिर ही पाती और इस दिन भी जब वो सब कुछ हार कर आई थी हॉस्पिटल में, जब इसकी माँ ने हमेशा के लिए आंखें मूंदी थी, वो बिल्कुल अकेली हो गई थी। इसका कोई सहारा ना था, बाप तो बचपन में ही वफात पा गया था, एक माँ भी, वो भी अब अकेला छोड़कर चली गई थी। पर अब ये इसकी भूल थी कि वो अकेली रह गई है। नहीं, वो अकेली नहीं थी, वो रोज़ की तरह इसके रास्ते में इंतज़ार में खड़ा था सिर्फ इसकी एक झलक के लिए। और इस बार इसकी हालत को देखकर वो कार से निकल आया और मशाल को तो इसकी आदत हो गई थी जो इसे रोज़ घर तक बाहिफाजत छोड़ जाता था बगैर इसे एहसास होने दिए। पर वो बच्ची तो ना थी जो ना समझती, वो रोज़ देखती थी, वो जख्मी सा मुस्कुरा देती कि आज नहीं तो कल वो थक हार कर अपना रास्ता अलग कर ही लेगा। नहीं, ये इसकी गलत फहमी थी और इसने जब्त के सारे बंधन तोड़कर इसके सीने से लग गई और बेतहाशा रोई और इसने रोने दिया बगैर इसे हाथ भी लगाए। वो खड़ा रहा, मुझसे शादी कर लो, जमाल के भारी अल्फाज इसके समातों में गूंजे और फिर वो इसे धक्का देकर जोर से चीखी, हवस पूरी करना चाहते हो? इस तरह नहीं कर सके तो शादी का रास्ता अपनाना चाह रहे हो? अपना मतलब पूरा होने के बाद बर्द किरदारी का धप्पा लगाकर बाहर फेंक दोगे? और पहली बार एक साल होने को आया था इसकी इस तरह की मुलाकातों को और इस साल में पहली बार इसने इसे छुआ था, वो भी इसके नाजुक रुखसार पर थप्पड़ मारकर। मेरी मोहब्बत को गाली मत दो मशाल नवीद, अगर मुझे हवस ही पूरी करना होता तो तुम मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। आपको हासिल करना एक नहीं हर रात आप मेरे पास हो सकती थी, पर मैं ऐसा नहीं गिरा हुआ इंसान हूँ जितना आपने मुझे समझ लिया है। मैं मोहब्बत करता हूँ आपसे बेइंतहा, इतनी
कि मैं ख़त्म हो जाऊं, पर मेरी मोहब्बत ख़त्म नहीं हो सकती। आपके लिए पागल हूं मैं, आपके लिए, हाँ पागल हूं। जो 3 साल पहले आपको मॉडलिंग में देखकर मैं पागल बना था, और अब तक मैं पागल हूं सिर्फ तुम्हारे, ना कि तुम्हारे जिस्म के लिए। वो इस पर गुस्से और दुख से दहाड़ रहा था। मैं मशाल बुद्ध बनी खड़ी थी। तो भेजो रिश्ता अपने माँ बाप के ज़रिए, मशाल ने तल्ख लहजे में कहा। जमाल का सर झुक गया। वो नहीं आएंगे, इसने साफ बताया। तो मशाल इसके झुके सर को कुछ पल देखती रही और कहका लगा उठी। मुझे पता था। वो कहकर आगे बढ़ी कि जमाल फिर से इसके सामने आ गया। अब क्या है, वो गुस्से से बोली, मुझसे शादी कर लो। जमाल ने इसकी आंखों में देखते कहा। तो फिर अपने माँ बाप को भेजो, इसने भी तलखी से कहा। वो नहीं आएंगे क्योंकि मैं वो घर छोड़ चुका हूँ 1 साल पहले, जब इनके सामने मैंने अपनी पसंद रखी थी और अपनी भाभी की बहन से शादी से इनकार किया था। मशाल ने बढ़ते कदम ठटक कर थामे। तुम पागल हो, वक्ती जज्बों के लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया। कल इन्हें छोड़ दिया था, परसों मुझसे शादी करने के बाद दूसरी पसंद आएगी तो मुझे भी छोड़ देंगे। वो गुस्से से और दुख से बोली, मेरे जज्बे वक्ती नहीं है मशाल, मेरे माँ बाप को समझना चाहिए था, मैं तुम्हारे साथ खुश रह सकता हूँ, पर वो नहीं माने, मुझे घर से बेदखल कर दिया। तो मैं क्या करता, जो इन्हें बैठे बेटे से बढ़कर अपनी इज्जत साख प्यारी थी। वो जुनूनी अंदाज में चीखा। मशाल बेसाख्ता कदम पीछे ले गई, और जो कदम इसने पीछे हटाए थे वो कुछ मजीद आगे बढ़े। इसकी मोहब्बत कुछ अकेले समाज में रह जाने के खौफ से इसने खुदा पर अपना मुस्तकबिल छोड़े। मशाल नुईद से चंद गुना गवाहों और जमाल के दोस्तों की मौजूदगी में मशाल जमाल इल्वी बन गई। और ये जो बात इल्वी हाउस पहुंची, तो आगा साहब ने जमाल को एक बद किरदार मॉडल से शादी करने के जुर्म में अपनी ज़िंदगी और जायदाद से भी दखल कर दिया। जमाल अपनी मशाल से शादी नहीं करना चाहता था, वो कुछ बनकर फिर इससे शादी करने का ख्वाहिशमंद था, पर इसके हालात ने इसे मजबूर कर दिया था। इसने इसके सामने अपना प्रपोजल रख दिया। वक्त गुजरता गया। जमाल ड्राइविंग करता था और जो कुछ पैसे मिलते थे इससे अच्छा वक्त गुजार रहा था एक दूसरे की संगत में। इतनी गुर्बत के बावजूद वो दोनों पुरसकून और बहुत खुश थे। मशाल ने शादी के बाद मॉडलिंग की दुनिया को खैराबाद कह दिया था और अब अच्छी औरत की तरह अपना घर संभाल रही थी। इल्वी हाउस में मौजूद माँ बाप, भाई और भाभी इसे बहुत याद आती थी, और इस मोहब्बत से मजबूर होकर वो गया भी था मिलने, पर आगा साहब ने धक्के देकर निकाल दिया। जब इस फाहिशा को छोड़ोगे तो आना यहाँ। और ये बात जमाल पर कयामत बनकर गुजरी थी अपनी इज्जत के बारे में अपने बाप से ऐसे अल्फाज सुनकर। और फिर इसने भी एक बार माफ़ी मांग कर वहाँ से निकला तो कभी मुड़कर ना देखा इस घर में, जहाँ ना अब इसका सगा भाई था और ना माँ बाप। भाभी तो पहले ही बहन से शादी करने के इनकार पर इससे नफरत करने लगी थी। वक्त का काम था गुजरना, और वो गुजरता गया। मशाल ने 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया। जमाल साहब की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा जब इसने बेबी कॉट में अपनी परियों जैसी बच्चियों को देखा। इनकी नज़र आंखें झपकती इस बच्ची पर पड़ी, जिसकी बड़ी बड़ी आंखों पर काली पलकें, ठोड़ी पर तिल था, रंगत दोनों के गुलाब जैसी थी। एक की आंख में नूर था तो दूसरी हूर जैसी थी, हूरुलैन। ठोड़ी पर मौजूद इस बच्ची के तिल पर उंगली रखते जमाल साहब बोले। तो मुस्कुराती मशाल दूसरी बच्ची को देख कर बोली, नूरुलैन। और फिर दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। इस तिल के जरिए इस मालिक ने दोनों में फ़र्क रखा था। दोनों बच्चियों को अपने सीने से लगाए जमाल साहब ने बोला, और एक जो बहुत रोती थी इससे भी फ़र्क पा सकते थे। मशाल ने मुसलसल रोती हूरुलैन को देखते कहा। तो जमाल साहब इसे देखकर परेशान हुए, लगता है इसे कोई तकलीफ है, वरना नूरुलैन नहीं रो रही, उन्होंने खामोश नूरुलैन को देखते कहा। तो मशाल ने सर हिलाया, और फिर जल्द ही इन्हें मालूम हुआ कि इनकी एक परी कुव्वत बिनाई से महरूम है, और ये इतलाई नहीं थी, सदमा था। जमाल साहब साकित बैठे गए, और मशाल भी अपनी हूर को देखती बेतहाशा रोने लगी, पर वो कुछ ना कर सके सिर्फ आंसू बहाने के अलावा, क्योंकि सब बात थी किस्मत की। जमाल साहब ने अपने बाप से मदद मांगी तो उन्होंने ये कहकर धुतकार दिया, ये सब तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के करतूतों का नतीजा है। इस फहशा ने हमसे हमारा बेटा छीना, खुदा ने इसकी बेटी की आंखों का नूर छीन लिया। ये लफ्ज़ नहीं चाबुक थे जिस पर जमाल साहब बिलबिला उठे, और हमेशा के लिए जमाल को, जो रात के छुप छुप कर माँ बाप को याद करता था, इन्हें वही मांगकर सिर्फ अपनी बीवी का शौहर और बेटियों का बाप लौटाया। मुझे नहीं करवाना पापा इलाज, अगर आप घर खरीदें मुझे यहाँ नहीं रहना, हमें अपना घर चाहिए, हूर दरवाजे के बाहर सुनती गुस्से से अंदर दाखिल होकर बोली। तो मशाल और जमाल साहब ने अपनी 16 साल की मासूम बेटी को देखा, जो ना देखकर भी हर परेशानी अपने बाप की महसूस करती थी। जमाल साहब के ये पैसे अपनी माँ ने मरने से पहले अपना किस्म देकर अपना ज़ाती घर इसके नाम कर दिया था, जिस पर कमाल साहब ने तो बहुत वावेला मचाया था, पर इसकी किसी ने नहीं सुनी, और वो घर जमाल साहब के नाम कर दिया गया।
अपने माँ बाप की मौत का इसे बहुत बड़ा दुख हुआ और वह बहुत रोए भी थे। नूर और हूर तो जानती नहीं थी सिर्फ बुरहान और दाद के अलावा किसी को। उन्होंने तो सुना था कि इनके दाद और दादा दादी ताया ताई पर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से और वह इनसे मिलते जुलते नहीं थे। हमेशा की तरह इन मुश्किल वक्त में मशल ने अपने शौहर का पूरा साथ दिया और इन्हें संभाला था। कुछ वक्त बाद जमाल साहब ने वो घर बेचा और इनसे कुछ पैसों से एक रेस्टोरेंट खोलने के लिए अपने दोस्त को दिए और कुछ रखे थे घर खरीदे या हुरुलैन की आंखों का इलाज करवाएं। भूर जाओ सो जाओ, बहुत टाइम हो गया है, आपके पापा अच्छे से जानते ही नहीं क्या करना है। इसके लहजे में गुस्सा देखकर मशल बेगम ने कुछ सख्त लहजे में कहा तो मुस्कुराते हुए जमाल साहब ने इसे चुप रहने का कहते हुरुलैन के पास आए तो हूर ने इनके सीने से लगकर रोने लगी। पापा आप मामा से कहें मुझे नहीं करवाना इलाज, आप हमारा अपना घर खरीदें, हम यहाँ मजीद नहीं रहना चाहते। सर ऊंचा करते जमाल साहब से बोली, बहुत बड़ी बात है मशल, तुमने मेरी हूर को रुलाया, हम दोनों तुमसे कटी हैं, मैं वही करूँगा जो मेरी बेटी कहेगी और तुम जानो तुम्हारी बेटी। जमाल साहब ने मशल बेगम से मुस्कुराहट रोकते बोले तो हूर सर हिलाने लगी, सच्ची मैं कटी पापा, मामा से और नूर से ये दोनों चाहती हैं हम घर ना खरीदें। हूर मुंह बनाकर बोली तो दरवाजे से टेक लगाए खड़ी। कट्टी लफ्ज पर नूर अपने बाप को घूरने लगी जो इसे देखकर मासूम सूरत बनाने लगे। नूर को हंसी आ गई, हूर बहुत अच्छी, हाँ इतना प्यार करती हूँ, फिर भी मौका मिलते कटी हो जाती हो, जाओ मैं नहीं करने वाली बात अब तुमसे। अचानक नूर की आवाज़ में हूर सटपटा गई, तुम्हारे बारे में कौन है नूर? मामा से कटी हूँ, हमने तुम्हारी बात भी नहीं की, पूछो पापा से। वो एकदम बात संभाल गई पर नूर हंसती अपनी माँ के पास आई और सॉरी बेबी गर्ल, अगर तुम मेरी मम्मा से कटी हो तो मैं तुम दोनों से कटी हूँ। नूर अपनी माँ के पास आकर अपने बाप को जबान दिखाती मशल बेगम के गले में बाजू डालकर बोली मैं तुमसे पहले कटी हूँ, क्यों पापा? और अपने बाप के गिर बाजू डालकर अपनी बेइज्जती महसूस करती कहका लगाकर नूर को नीचा दिखाती बोली, यस ये भी पूछने वाली बात है, हम दोनों पहले ही इनसे कटी हैं, चलो हम बाहर आइसक्रीम खाने चलते हैं, जाओ भाग कर चादर उठा लाओ। इन दोनों को नीचा दिखाकर जमाल साहब अपनी बेटी से मोहब्बत करते बोले तो आइसक्रीम पर नूर ने मुंह सोड़ती अपनी माँ को देखा, हम भी जा रहे हैं, वो अपनी माँ को उठाकर बोली, नहीं मशल तुम बाहर नहीं निकल रही, जमाल साहब अपने फायदे दिखाते गोया हुए। नूर रोने जैसी हो गई और हूर इसकी हालत महसूस करती हंसती हुई वहाँ से चली गई। नॉट फेयर पापा, मैं भी आपकी बेटी हूँ, मशल बेगम को हमेशा की तरह इनके हुक्म की ताब देखकर वो बोली, आहा पर यहाँ हमसे कोई कट्टी था। बालों में कंघा फेरते हुए वो आईने में इस मासूम बच्ची की जैसी शक्ल देखकर हंस पड़े। 16 साल की होने के बावजूद वो अभी बच्ची ही लगती थी क्योंकि वो कद की छोटी थी और जिस पर दादी से बुनी कहता था, मैंने तो चुन्ना मुन्ना मजाक किया था, क्यों मामा? वो अपनी माँ का बाजू हिलाकर बोली जिसने हंसते हुए हाँ में सर हिलाया। जमाल मेरी बेटी मजाक कर रही थी, हम भी चलेंगे हैं। मशल अपनी बेटी की सूरत देखकर हंसती हुई बोली, चलो भाई जब सुलह है तो हमें क्या तकलीफ हो सकती है। मैंने खेस नजरों से मशल बेगम को देखते वो बोले तो मशल बेगम शर्मा गई। याहू! नूर नारा लगाकर अपने बाप के साथ लग गई तो मुस्कुराते इसके माथे पर बोसा देने लगे। दिल पर मत लिया करो मेरी नूर, वो सिर्फ बहन को खुश रहने के लिए कहते हैं, वरना तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो, इसका गाल थपथपा कर बोलते जमाल साहब ने इसे अपने साथ लगा लिया। और तब तक मशल बेगम और हूर तैयार होकर आ गई तो चारों साथ घर को लॉक लगाकर गाड़ी में बैठकर वहां से निकले। मोहब्बत एक एहसास है, जज्बों का, सोचों का, ख्यालों का और अनकही बातों का। मोहब्बत कभी लफ्जों की मोहताज नहीं रही, वो तो अपना आप मनवाती है, आंखों के रस्ते अपने महबूब के दिल में उतरकर अपने शहर में जगड़ लेती है। इंसानों ने मोहब्बत को फतह नहीं किया, मोहब्बत ने इंसानों को फतह किया है, जैसे सही आलम की मोहब्बत ने हुरुलैन को और दाद आलिफ की खामोश मोहब्बत ने नूरुलैन को। मोहब्बत एक एहसास बनकर दाद के दिल में हमेशा से पलता आ रहा था, जब जब वो नूर को रोते गुस्सा करते मुस्कुराते गालियाँ देते देता आया था। इसके दिल में अजीब सी ख्वाहिश निकलती वो इससे चिड़े और वो इसे तंग करके इसकी सोचों में मोहब्बत बनकर ना सही चढ़कर बनकर छाया रहे। इसे देखते वो मुस्कुराते मुंह कड़वा करके इसे बड़बड़ाकर बुरा भला कहे। इसे बहुत खुशी मिलती थी, वो इसे करता भी था, इसका मकसद भी कामयाब रहा था। पर इसकी नज़र आलिफ पर आ गई और होटल में भी इसका दूसरा प्लान था, नूर को हुरुलैन बनाकर नदीम के सामने लाने का और इसकी नज़रों से खुद को ओझल रखने पर। इंसान कितना भी शातिरी क्यों ना हो, कभी कभी किस्मत के सामने हार ही जाता है और इसका भी प्लान हार गया। वो इसके सामने इसकी नज़रों में दूसरी लड़की इंतहाई करीब खड़ा था। इसे गुस्सा तो बहुत आया जब इसकी आंखों में कुछ नफरत तो कुछ खौफ देखा। इसका दिल कैसे झंझोड़ कर रख दे
वो इसका दाद है जो तुम्हारे अलावा किसी को नहीं देखता, पर ना कर सका क्योंकि इससे पहले इसको जो अजीज था वो था सईर आलम। इसका हुक्म इसकी आंखों पर होता था और बेशक आंखों और मोहब्बत के बीच का बहुत गहरा ताल्लुक है। जिस तरह सईर से वो नूरुल ऐन दोनों से इसका, दूसरी बार नूर का सईर आलम के घर आना और फिर इसे अलिफ के लिए आंखों में खौफ देखा था, तब भी इसे अच्छा ना लगा, जिस वजह से इसने मना किया वहाँ आने से, क्योंकि दाद आलिफ का तो ठिकाना ही वही था। अगर अचानक ही वो इसे दाद की हालत में देख लेती तो क्या होता, वो तो सीधा बुरहान से रब्ता करती या फिर आलिफ को इसे किडनैप करना पड़ता, जो वो हरगिज नहीं कर सकता था क्योंकि इसकी नज़र में मोहब्बत के मायने ही महबूब की इज्जत करना है। तो वो कैसे इसे हट करता, वो तो अपने सच्चे और खड़े जज्बों से अपना इसे पाना चाहता था, ना कि ज़बरदस्ती। फिर इसे इंतज़ार करते बस स्टॉप पर देखते, तभी इसे रहा ना गया तो वो इसे लेकर आ गया क्योंकि इसकी जान को ख़तरा भी हो सकता था। वो हूरुल ऐन जैसी थी सिवाय एक दिल और कद के जो इन दोनों में फ़र्क रखता था, और फिर आखिरकार इसने इसे कत्ल करते भी देख लिया और तब जो इसकी हालत थी, दाद को रह रह कर खुद पर गुस्सा आ रहा था, पर इसका काम ज़रूरी था क्योंकि अगर वो वक्त पर काम सर अंजाम ना देता तो तुम पता नहीं कितनी औरतें और बहनें अपनी जान से हाथ धो बैठती खुदकुशी करके। तब भी वो हिचकिचाया नहीं, इसे सीढ़ियाँ चढ़ता देख कर भी वो अनजान बन गया और वो अपना काम करने लगा। और फिर आखिरकार दाद ने जीत लिया इसे, जब बुरहान के साथ निकाह का सुना था तो इसने शौक निगाहों से अपनी तरफ उड़ती पाई थी। तभी इसके अंदर बैठे मोहब्बत के परिंदे ने नूरुल ऐन के दिल में छुपे दाद नाम के इस परिंदे को ढूंढ ही लिया था, और जब वो इसे सामने आई, आंखों में इसे जुदा होने का डर आंसू के रस्ते निकलकर गालों पर फिसला, तब दाद को दिली सुकून मिला। आखिरकार इसकी खामोश मोहब्बत भी अपना रंग दिखा गई थी, इसने सब कुछ अपने रब पर छोड़ दिया था। अगर इसकी मोहब्बत अपना रंग दिखा गई थी तो वो इसे पाकर भी रहेगा, इसे अपने नाम कर लेगा बगैर किसी जोर ज़बरदस्ती के। सईर ने कहा था वो ये निकाह रुकवा कर रहेगा, पर दाद डट गया इसके सामने, जो हो रहा है इसे होने दिया। आखिर जब काजी के कदम घर पर पड़े तो दाद के कदम डगमगाए, पर वो फिर भी खुद पर जब्त करता डटा रहा। आखिर जीत गया सब्र से, इज्जत से, अपनी मोहब्बत को पा लिया बगैर किसी जोर ज़बरदस्ती के, और आखिरकार वो नूरुल ऐन जमाल से नूरुल ऐन दाद आलिफ बन गई। आलिफ ने अपनी जेब से मोबाइल की बिप निकाल कर देखा, जहाँ एक हार्ट इमोजी के साथ निकाह की मुबारकबाद लिखी है। दाद कहका लगा उठा और नीचे खैर मुबाद के साथ आपको भी बहुत बहुत भाई का निकाह मुबारक हो। कुछ देर में बाद एक हंसा हुआ इमोजी हाजिर हुआ। दाद ने घड़ी में वक्त देखा जो रात का एक बजा रही थी। इसके दिल में हलचल होने लगी, वो मिले और इसे निकाह की मुबारकबाद कहे और इसके गिले शिकवे वो दूर करे, वो इसे अपनी सजी सवरी दुल्हन बोनी को जी भर कर देखे। इसे मोबाइल टेबल पर रखा और खुद आईने के सामने आया। ब्लैक पैंट पर इसके स्काई ब्लू शर्ट में घने बालों पर पफ बनाए वो बहुत डैशिंग लग रहा था। इसके काली आंखें खुशी से बेइंतहा चमकी थी, वो लबों पर तबस्सुम था। सोचते हैं हम कि कितने मासूम थे, क्या से क्या बन गए देखते देखते तुम्हें। वो ऐसे ऐसे इसके रूम में दाखिल होते वापस दरवाज़ा बंद करके लैंप की मध्यम सी रोशनी में चलता हुआ बेड पर इसके परी पैकर के पास आया और आहिस्ता से दोनों पांव ऊपर रखकर कोहनी के बल लेट कर मिटे मिटे मेकअप के साथ इसके चेहरे पर बिखरी लटों को उंगली की मदद से पीछे करते गुनगुनाया और गहरी नज़रों से ज़िंदगी में पहली बार इसका जायज़ा लेने लगा। वरना तो हमेशा नज़रों की बगावत से सरासर ही देखा करता था। डीप रेड कलर के लहंगे में बगैर दुपट्टे के वो आंखें मूंदी गहरी नींद में थी, आंसुओं के मीठे मीठे निशान इसके गालों पर थे और वो मुस्कारा रुखसार पर फैला हुआ था। इस फसूखे मलहमात में दाद के दिल ने कहा इसे जगाकर शीशे के सामने ले जाए ताकि वो चीखकर अपने होश और हवास में आए, पर वो ऐसा नहीं कर सका। दाद की नज़रें भटक कर इसकी टांगों से सर के लहंगे से नमाया होती सफ़ेद पंडलियों पर गई। इसके अंदर जज्बातों के तूफान ने शोर मचा दिया। इसे पछतावा होने लगा कि शायद इसने इस वक्त नहीं आना चाहिए था, वो सुबह देख लेता इसे, पर इस नादान दिल को कौन समझाता। इसका बेसाख्ता पांव का अंगूठा इसकी पिंडली पर पहरा और इसके खूबसूरत चेहरे को देखा, जिसकी आंखों में शायद इसके लम्स को महसूस करते लरिशी होने लगी थी। दाद ने देखा इसने सारे जेवरात उतार दिए थे जो ड्रेसिंग टेबल पर रखे, अपनी नाकदरी पर रो रहे थे, दुपट्टा इसका नीचे पड़ा हुआ था जमीन पर, निकाह मुबारक में से दाद आलिफ। इसने ज़रा सा झुककर नूर के कान में सरगोशी की। नूर जो अपने पास पर बेड पर पास पड़े वजूद को अपना वहम तस्लीम कर रही थी और अपनी पिंडली पर गुदगुदी नुमा इस लम्स पर बेसकून सी हुई थी, आवाज़ पर अपनी आंख फट से खोली और कुछ देर छत में लगे फानूस को तकते के बाद नजरों को रुख फेरा तो दो काली जज्बों से चूर आंखों का अपने आप को तकते पाकर सांस लेना भूल गई। दाद इसके लबों में जुनबिश हुई। यस मिसिस दाऊद।
दांत की भारी सरगोशी नुमा आवाज फिर से इसके समाधों से टकराई। दिमाग में सारी आज की सूरत हाल किसी फिल्म की तरह चलने लगी। आ धमाके पूरी तरह बेदार होते वह जोरदार चीख मारने वाली थी कि दांत ने बर वक्त इसके मुंह पर ना भारी भरकम हाथ रखा। क्या कर रही हो यार, अभी रुकती नहीं हुई, जो मुझे तुम्हारे साथ देखकर बख्श देंगे। वो इस पर पूरी तरह झुकाया था और नूर दांत के रूप पर हैरान शौक थी। अब इस तरह देखकर इम्तिहान मत लो, तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं कितना कमजोर दिल का मालिक हूँ। वांग तबाह कर छी छोरेपन से बोला तो इसकी सांस थम गई और खुद को इसके शिकंजे से छुड़वाने लगी। दफातर नूर को अपने पाँव पर इसका लम्स महसूस हुआ तो इसका दिल धड़कना भूल गया। वो जल्दी से अपनी टांगे समेट गई और दूसरे हाथ से इन्हें धकेलने लगी। दांत इसकी सारी कार्रवाई खामोशी से देख रहा था, जिसके माथे पर नन्हे नन्हे पसीने के कतरे भी नमूदार हो गए थे। एक बात बताऊं, इसकी आंखों में देखते वो शरारत से बोला तो नूर ने इसके हाथ पर अपना नाखून गाड़ते इसका हाथ ना मुँह हिला। पूछना क्या है, अब शोहर हो तुम्हारा, बता ही देता हूँ, तुम बहुत खूबसूरत हो, चांद जैसी खूबसूरत और चांदनी जैसी पाक मासूम। मोहब्बत से इसकी आंखों में देखते वो बोला तो नूर की मजम्मत थम सी गई और इसके दिल की एक हार्ट बीट मिस की। वो बेसाख्ता इसकी लोदेती नजरों से निगाहें चुराई और वो लम्हा था जब दांत इसके माथे पर अपनी मोहब्बत की मेहर साबित करने के लिए झुका। नूर ने एकदम इसे पीछे धकेला, पलक झपकते बेड से नीचे खड़ी हुई। दांत इसकी हरकत पर अपनी मुस्कुराहट साफ छुपा गया। हैरान होते डरने की एक्टिंग करते इसने देखने लगा तो तुम घटिया कमीने इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की। वो चीखी और अपने बालों को अपने आगे फैला लिया। यार प्लीज ये चीखने का काम बाद में छोड़ दो, अपना मुंह धो लो और काले बाल पीछे कर लो, वरना कसम से शादी के जोड़े में भूतनी लग रही हो। और तुम तो जानती हो तुम्हारा सरताज कितना नाजुक दिल का मालिक है, एक डरपोक बुजदिल इंसान है, कहीं इसका दिल ही ना फट जाए। इसकी चीख गाली को सीरियस ना लेते हुए दांत ने इसके हुलिये की जानिब इशारा किया। एक पल को तो नूर भी ठटक कर रुक गई थी, आखिर एक लड़की थी, खुद पर भूतनी लफ्ज कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। इसके खूनखार नजर पर इसके वजूद पर डालकर जरा सा पीछे हटकर आईने में देखने लगी। इस लम्हे दांत ने हाथ बढ़ाकर लाइट ऑन की और नूर अपना खौफ हुलिया मिरर में देखकर चीख पड़ी। दांत ने घबरा कर लाइट ऑफ की। क्या कर रही हो पागल बोनी, वो बेड से उतर के नीचे आया इसकी तरफ और नूर इसकी बात को नजरअंदाज करते जल्दी से घबराई। डरी बाल पीछे समेट कर जूड़े की शक्ल में बनाती टिशू से अपनी आंखें और लिपस्टिक साफ करने लगी, जिसे इसे भूतनी बनाया हुआ था। जब वो देखने के लायक हुई तो गहरा सांस लेकर आ गई। इसने इतनी खौफनाक स्टोरीज ट्रेंड की थी जिनमें चुड़ैल ऐसी ही दिखाई दी जाती थी, आज खुद को देखकर इसे अंदाजा हुआ कि नावल में मौजूद लोग कैसे डरते होंगे, जिनका पहले वो अंदाजा नहीं लगा पाती थी। वो अपनी सोचों में दांत को तो फरामोश कर गई थी और इसकी इस बेखुदी का फायदा उठाते दांत बिल्कुल इसके पास आ गया था। अब ठीक लग रही हूँ, बिल्कुल मेरी बोनी, हाथ बढ़ाकर इसके बालों को कैद से आजाद करवाते वो बोला तो नोट झिझक कर कुछ गुस्से से पीछे हुई। हाथ मत लगाओ मुझे, तुम समझते क्या हो, वरना जूते मारकर यहां से भगाऊंगी। वो दीवार से लगी इस पर घुराई, अलबत्ता इसकी नजरों की तबज से वो घबरा रही थी। ये कौन सा दांत था, इसका दोस्त तो ऐसा नहीं था, इसमें से तो डर शर्म ही खत्म हो गए थे। मैंने हाथ कब लगाया तुम्हें, एक हाथ दीवार पर रखकर मोहब्बत से इसके गुस्से के पीछे घबराए रूप को देखते वो बोला तुम मुझे डरा रहे हो दांत। वो अपने गिर दीवार पर रखे इसके दोनों हाथ को हटाने की कोशिश करती गुस्से से गोया हुई, मत भूलो अब सिर्फ निकाह हुआ है हमारा, वो भी जबरदस्ती, मैं तुम्हारी बीवी नहीं मनकूहा हूँ। वो उसकी नजरों से घबराती अपने आप को मजबूत करती ठोस लहजे में बोली क्या बकवास बनाया हुआ है, पहले निकाह से बीवी हो जाती थी, अब मनकूहा, इस तरह से तरसाने से तो बेहतर था नाम करके साथ पर्दों के पीछे छुपा देते, कम अज कम तड़पते तो ना। इसके दीवार पर हाथ मारकर गुस्से से कहने पर नूर की आंखें फटी थी, ये दांत था बुजदिल सा दांत, अगर अपनी आंखों से ना देख रही होती तो बिल्कुल भी किसी की जुबान से सुनते यकीन ना करती कि ये दांत है। इसका चेहरा शर्म से गुस्से से तप गया। नूरुलैन बेटा तुम ठीक हो, वो कुछ तलख कहने के लिए मुंह खोल रही थी कि नरगिस बी के बंद दरवाजे की घबराई आवाज आई। नूर ने एकदम दरवाजे की तरफ खुशी से देखा और फिर दांत को जो मुस्कुरा कर इसे ही देख रहा था। एक ये भूली अवाम जरा भी नहीं समझती कि नई शादी है, शायद दूल्हा मुबारकबाद देने आया होगा, पर नहीं, इन्हें तो परेशान होकर घबराना और दुल्हन की भी चीख चलाने का मौका देना है। दांत ने आंखें घुमाई, कहा तो नूर ने अपना पांव इसके पांव पर मारा जो दांत के किसी रुई की तरह लगा। बी मैं आ रही हूँ, वो हकलाते कहती दांत के दूर होने से बोली और वो आगे बढ़ी के पीछे से दांत ने इसके कमर में बाजू डालकर इसे रोक दिया। जरूर जाओ और नतीजा जो कुछ दिन बाद रुखसती रखी गई है वो सुबह तुम्हें
मेरे रूम में पहुँचा कर मिलेंगे। जो कर सरगोशी में इसके कान में बोला तो नूर साकित से रुक गई। इसके इतने करीब होने पर इसका सर इसके सीने से लगा हुआ था और वो मजबूत इसके कमर में हाथ डाले हुए था। बी मैं सो रही हूँ, आप जाए, मैं ठीक हूँ। वो ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती थी कि सुबह इसके कमरे में पहुँचे जाए। तभी यकदम बोली, अच्छा अपना ख्याल रखो बेटा, अगर कुछ चाहिए तो बताओ। बी इसके दरवाजे पर ना खुलने पर समझ गई थी कि शायद सोने लगी है, पर तभी बोली, हाँ कहो। तन्हाई दाद ने झुक कर फिर से सरगोशी में कहा तो नूर की रीढ़ की हड्डी में सर से लहर दौड़ गई। वो बेसाख्ता नफी करने लगी, नहीं। अच्छा ठीक है, कोई आयत पढ़कर सो जाओ, मैं जाग रही हूँ, बी इसके जवाब पर कहकर चली गई। और नूर फिर इसके साथ अकेली रह जाने पर अपने लबों पर जुबान फेरने लगी, डरो नहीं, मैं मनगुहा वाले सिस्टम की इज्जत करता हूँ। इसका रुख अपनी तरफ करते इसके माथे पर अपनी मोहब्बत की मेहर साबित करते वो बोला। तो नूर आंखें मूंद गई और दाद इस पर एक नज़र डालकर मुड़ा, मेरे साथ बहुत गलत किया है तुम लोगों ने दाद। दाद के पीछे से भराई आवाज़ आई, जानता हूँ। वो कहकर रुका नहीं, आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर बगैर किसी की परवाह किए वहाँ से निकला। तो पीछे नूर ने अपना चेहरा साफ करते दरवाज़ा लॉक किया और एक ड्रेस निकालकर बाथरूम में बंद हो गई। अपने बाप को जल्द पहुँचने का कहते इसने मोबाइल ऑफ कर दिया और ऑफिस से बाहर निकल आया। ड्राइवर को इसने मना करके और गाड़ी ड्राइव करते ऑफिस के हदूद से दूर निकल आया और ऐसे ही रस्तों पर अपनी गाड़ी चलाने लगा। ये तो तय था इसने निकाह में नहीं जाना था, क्योंकि वो अपनी खुशी के लिए अपने भाई की खुशी हड़प नहीं कर सकता था। अगर इसे मालूम ना होता कि दाद नूरुलैन से मोहब्बत करता है तो शायद वो हूर को वापस लाने के लिए ये कर जाता, पर जानते बूझते वो ऐसा कदम हरगिज़ नहीं उठा सकता था। और वो अपने बंगले पर आया चेंज करके। जब कुक ने डिनर रेडी होने की इत्तला दी तो वो डिनर करने के बाद अपनी पिस्तौल बेल्ट में लगाकर गाड़ी की कीज़ उठाते वहाँ से अपनी जाती गाड़ी में निकल गया। इससे रुख साहिल समंदर की तरफ था। मोबाइल ऑफ करके वो अपने रूम में ही छोड़ आया था। जानता था अपने बाप को कि वो इसका इस तरह के अमल से क्या रिएक्शन होगा, पर जब इसे मालूम हुआ हार्ट अटैक का सब नाटक है तो वो बहुत शर्मिंदा हुआ। ये क्या करने चला है इसका बाप, एक रेस्टोरेंट के लिए वो किसी की ज़िंदगी से खेल सकता है। इसे लगा अगर वो नूर से निकाह कर लेगा तो इसे वो हक कभी नहीं दिलवा पाएगा जो इसे दाद दे सकता है, क्योंकि वो जानता था अगर इसका निकाह नूर से होता तो वह बिल्कुल बेहिस बन जाता और वह बेचारी मासूम लड़की लालचियों के बीच गुम हो जाती। तब इसने अपने कदम पीछे कर लिए थे और हूर को लाने का कोई दूसरा रास्ता अपनाना था। गाड़ी साहिल समंदर के कुछ फासले पर रुक गई और वहाँ आकर मौजूद सिंगल बेंच पर बैठा और एक हसीन नज़ारे को देखते ठंडी ठंडी हवाओं में खुद को हल्का फुल्का महसूस करने लगा और जो बोझ था सर पर वो भी सरक गया था। कुछ ही देर में इसका मूड हशाश बिशाश हो गया था। मुस्कुराते वहाँ से उठा, कड़ी को वहीं रहने देकर खुद कदम उठाता पैदल चलने लगा और सोचों में काफ़ी दूर निकल आया। अगर बेस्टक पहुँचना है तो पहले सही आलम को जानना पड़ेगा। और वो बड़बड़ाया, सरसरी सी नज़र रात के इस पहर एक छोटी सी बच्ची की कलाई से पकड़े दूसरे हाथ में बैग उठाए जाते एक आदमी को देखा। वो समझा शायद कई बाप बेटी हों, सफ़र से आ रहे होंगे। तभी नज़र अंदाज करता आगे बढ़ गया। छोड़ो मुझे, सरगोशीनुमा आवाज़ बुरहान के कानों में पड़ी। वो ठटक गया पर रुका नहीं और आगे मुड़कर ते कच्चे पे उतर कर दरख्तों की आड़ में देखा तो वहाँ कोई नहीं था। इसे लगा इसका वहम है, भला क्या हो सकता है, नहीं वो बच्ची और आदमी बुरहान वक्त देखो। और वो ठटक गया दिल से आती आवाज़ पर। वो जल्दी से बाहर वापस रोड पर आया और वहाँ कोई नहीं था। इसने अपनी गन निकाली और इस पर पकड़ मजबूत करते आगे बढ़ा। रास्ता सुनसान था, वो आदमी छोटी बच्ची पता नहीं कहाँ चले गए थे। बुरहान चलता गया, पाँव से कुछ टकराया, इसने झुककर देखा तो एक जूती थी छोटे से पाँव की, मतलब वो आवाज़ सच में थी। ओ नो, वो भागा पर दूर दूर तक रास्ते पर कोई नहीं था। वो माथा मसलता वापस पलटा, अल्लाह का नाम लेते इस बच्ची की सलामती की दुआ मांगते। वो अंधेरे में जंगल में उतर आया था। इसने अफसोस होने लगा वो मोबाइल क्यों नहीं लाया। इसने संभल कर कदम रखते हर आहट पर अपनी समातें बिछा दी। रात के घोर अंधेरे में घने जंगल में इस वक्त भेड़ियों के रोने की आवाज़ें थी। ऐसे में वो कैसे ढूंढता इस बच्ची को और आदमी को। मुझे जाने दो बुरे अंकल, ये एकदम वो अलर्ट हुआ क्योंकि वो वही रोती हुई आवाज़ बहुत करीब से आई थी। बकवास बंद करो वरना अभी काट दूंगा, एक मर्दाना आवाज़ आई। बुरहान गन बुलंद करता इसके आवाज़ के ताकुब में आया। वो ठटक गया, जल्दी ही दरख्त की आड़ में हो गया। सामने ही मध्यम टॉर्च की रोशनी में ज़मीन पर वो आदमी बैठा इस बच्ची के हाथ और मुंह बांध कर अब शराब निकाल कर पीने लगा था। बुरहान की आंखों में खून अतर आया जब वो आदमी घूंट भर कर बोतल रखते इस मासूम को ज़मीन पर धक्का देकर इस मासूम को अपनी ज़िंदगी का निशाना बनाने वाला था। बुरहान का चेहरा सबसे सुर्ख हो गया। इसने एकदम बाहर निकल कर इस बच्ची पर झुकते इस आदमी का गर्दन का निशाना लिया। ठा की आवाज़ पूरे जंगल में धमाका बनकर गूंज उठी और ऐसा भी बुलंद आवाज़ हुई।
इस बच्ची का चेहरा स्पेड हो गया और आंखें फट पड़ी। वह जमीन पर हाथ पांव बांधी पड़ी। इसे अचानक सामने आने वाले वजूद को देखने लगी। बुरहान इस आदमी पर एक के बाद एक फायर करता है, इसके भागने का मौका दिए बगैर इसे हलाक कर चुका था। वो फिर इस बच्ची के पास आया, इसे जमीन से गोद में उठा लिया। वो कोई 10 साल की कमजोर जिस्म की मालिक थी और बगैर मजहमत के इसकी गोद में थी। शायद अभी तक खौफ के असार में थी और वह जंगल से इसी रास्ते बाहर निकला और सड़क पर आया। इसने अपनी बाहों में उठाए वापस साहिल समंदर पर। इस बीच पर बैठा किसके हाथ मुंह पांव खोले और जल्दी से अपनी गाड़ी से टॉर्च और पानी की बोतल लेकर आया। आप बेस्ट हैं। मुंह खोलने के बाद इस छोटी सी बच्ची ने गहरे सांस भरकर नीचे इसके सामने बैठे बुरहान से मासूमियत से पूछा, क्यों? बुरहान ने इसके पाँव देखते हुए उल्टा सवाल किया, क्योंकि बच्चियों को तो वही बचाता है, वरना आज वो बुरे अंकल मुझे खा जाते। वो कहती हाथों में मुंह छुपा कर रोने लगी। बुरहान के हाथ साकित हो गए। इसने टॉर्च के बीच पर रख कर इसे देखने लगा, जो छोटे छोटे हाथों में मुंह छुपाए रो रही थी। कितनी मासूम थी, नहीं जानती थी इस पर कौन सी कयामत टूटने वाली थी। वो उठकर इसके पास बराबर बैठा और इसे सीने से लगा लिया। पता नहीं ऐसी कितनी मासूम परियों को दरिंदे और अपनी हवस का निशाना बना चुके होंगे, और इनकी तो किसी ने कोई पुकार भी नहीं सुनी होगी, इसलिए तो कोई बेस्ट या इंसान आया होगा बचाने। नाम क्या है परी का? इसका चेहरा अपने मजबूत हाथों के प्याले में भरकर पूछा, तो परी लफ्ज पर वो सूं सूं करती बुरहान को देखने लगी। मुस्कान, अपनी मीठी आवाज में वो बोली और छोटे कमजोर हाथों से आंखों साफ करने लगी। बुरहान इसे देखा गया, हर मुस्कान नाम वाली लड़की की मुस्कान से कोई रिश्ता नहीं था। कहाँ रहती हो? इस बुरे आदमी के पास वो कैसे आई? इसे पानी की बोतल थमाकर वो बोला, इसकी पीठ और बालों से मिट्टी साफ करने लगा। इस्लामाबाद में रहती हूँ, अपने मामू के घर में, अपने माँ बाप के पास जा रही थी कि इसके बुरे अंकल ने पूछा कि मैंने बताया तो अंकल ने कहा मैं अभी इनके पास जा रहा हूँ और मुझे वो वहीं छोड़ देंगे, तो मैं इनके साथ आ गई। पर अंकल पता नहीं कहाँ कहाँ घुमा रहे थे और फिर 2 दिन के बाद यहाँ लेकर आ गए और मुझे खाने वाले थे। अब आ गए, इन्हें मार डाला। वो सर झुकाए बताने लगे और बुरहान इसके सर को तकने लगा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? तुम मामू के घर क्यों नहीं निकली? वो जानता था इसके सवाल ठीक नहीं है इस वक्त, वो पर वो जानना जरूरी था। मामी मारती है काम ना करने पर, और वो रिजवू वाले मेरे साथ गंदी गंदी गेम खेलते हैं, मुझे नहीं पसंद वो गेम्स, वो सर नफी में हिलाते बोली। तो बुरहान ने समझते सबसे लम्ब खींच लिए, और इस दिन मामी ने मुझे बर्तन ना धोने पर बहुत मारा, खाना भी नहीं दिया। मुझे बहुत भूख लगी थी और कोई भी खाना नहीं दे रहा था। मैंने रिजू से कहा खाना दो, तो वो बोला पहले मेरे साथ गेम खेलो। मैंने इनकार कर दिया, फिर इसने मुझे मारा बहुत, इसलिए वहाँ से भाग गई। सब कहते वो मेरी माँ और बाबा अल्लाह के पास रहते हैं और मुझे भी वहीं जाना है कि अंकल नहीं लेकर गए, उन्होंने झूठ बोला कि यहाँ लेकर आएंगे। बुरहान ने गहरा सांस खारिज किया। रिजू कौन है और कितना बड़ा है तुमसे? इसने अपने साथ लगाने से पूछा। रिजू मामू का बेटा है, असल में इसका नाम रिजवान है, पर मामी इसे अब से सब रिजू कहते हैं। वो बहुत बड़ा है और इससे स्कूल भी जाता है, कभी कभी मुझे पढ़ाता भी है और खाना भी देता है। छोटी सी मुस्कान इस अनजान आदमी को देखती बोली, जो बेस्ट तो नहीं था पर इसे इस बुरे इंसान से बचा लाया था। क्या आप मुझे मेरी अम्मा बाबा के पास पहुँचा देंगे? मुझे इनके साथ रहना है। अम्मा मारती नहीं थी और बाबा पैसे भी देते थे गुड़िया लेने के लिए, अब कोई नहीं देता। वो रोने लगी। बुरहान का दिल भी बोझल हो गया। वक्त ज़्यादा देखकर वो उठा और इसे भी उठाया। गोद से टॉर्च हाथ में लेकर वो अपनी गाड़ी की तरफ आया और फ्रंट सीट का डोर खोलकर इस मासूम परी को अंदर बिठाया। दूसरी तरफ खुद आकर बैठ गया। ये आपकी है? छोटी सी मुस्कान को हैरत भरी आवाज़ गाड़ी की फिजा में गूंजी। बुरहान ने नरमी से मुस्कुराते हाँ में सर हिलाया। ओ तो आप बड़े साहब हैं, वो बोली तो बुरहान हंस दिया। नहीं मैं तो छोटा सा साहब हूँ अभी। इसने एक नज़र इसके मासूम चेहरे पर डालकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। हम कहाँ जा रहे हैं? मेरे माँ बाप के पास, वो आस और खुशी से पूछने लगी। बुरहान खामोश हो गया। क्या कहता, जहाँ इसके माँ बाप है वहाँ जाना इसके बस में नहीं था और इसे भेजना भी नहीं चाहता था। जवाब ना मिलने पर वो खामोश हो गई, वो शायद थकी हुई थी, तभी बैठते बैठते ही सो गई। बुरहान आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी ड्राइव करने लगा और अपने बंगले पर सामने पहुँचा तो गार्ड ने इसके लिए गेट खोला। वो अंदर दाखिल हुआ और पार्किंग में गाड़ी पार्क करते बाहर निकलकर दूसरी तरफ और आहिस्ता से इस बच्ची को निकाला। गार्ड्स की नज़र अपने साहब के पास मौजूद बच्ची पर गई तो सब एक दूसरे को देखने लगे। सर आपके भाई आए थे दाऊद आलिफ आपसे मिलने, पर आप नहीं थे तो चले गए, एक गार्ड ने आगे बढ़कर सल्यूट करते बुरहान को बताया। तो बुरहान सर हिलाकर अंदर बढ़ गया। रूम में आकर बुरहान ने आहिस्ता से बेड पर डाला और फिर लाइट ऑन की। इसकी नज़र बेसाख्ते इसके चेहरे पर गई, जानी बूटी, और वो होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। शायद इसकी मासूमियत ने इसे दरिंदे की आंखों में नुमाया किया था। दो चुटिया बंधी हुई थी,
गंदमी रंगत वाली वह कमजोर जिस्म की मालिक मासूम मुस्कान बुरहान को बहुत प्यारी लगी थी। बुरहान ने अपनी शर्ट की जानिब देखा जहाँ इसके पाँव से निकलते खून के धब्बे पड़ गए थे। इसने जल्दी टेबल के दराज से मेडिकल बॉक्स निकाला और इसके पाँव के करीब बैठा। जख्मों से शायद इसके पाँव सुन हो गए थे या इसे दर्द सहने की आदत पड़ गई थी। पाँव में लगे कांटों पर उफ भी नहीं की, पूरे रस्ते अलबत्ता सुकून से सोई हुई थी, जैसे इसे दर्द सहकर सोने की आदत हो चुकी हो। बुरहान ने अफसोस करते इसके एक पाँव को आहिस्ता से उठाया और लगे एक दो कांटे निकालकर कॉटन पर डिबो कर लगाकर इसे पाँव साफ करने लगा तो दर्द से वो आह करती उठ बैठी। आ आप सब क्या कर रहे हैं? दर्द से आंखों में आंसू आते झपक कर बोली। बुरहान इसके साफ कहने पर मुस्कुरा दिया। कुछ नहीं, खाना खाओगी? दोनों पाँव पर ड्रेसिंग करते इसने हाथ चेक करते वो बोला, आप खिलाएंगे? बोलता डर कर पूछने लगी और चोटें नहीं लगी, बस पाँव में जूती उतर जाने से कांटे लगे थे। मैंने कहा था अंकल से मेरी जूती गिर गई है पर उन्होंने उठाने नहीं दी, अब मैं क्या पहनूंगी? वो नाक सुकेड़ कर बोली, ज़रूर अगर तुम खाना चाहोगी, गरीब का खाना तो खिलाऊंगा ना। वो मेडिकल बॉक्स दराज में रखते बोला तो इसकी आँखें फैल गई, आप और गरीब हैं? वो इस रूम को देखती हंसी, ऐसे तो घर हम मम्मी की टीवी में देखते थे और आपकी गाड़ी कितनी बड़ी है और ये चारपाई भी देखो कितनी बड़ी और नर्म है, मैंने पहले कभी नहीं बैठी इस पर, देखो कितना खूबसूरत घर है, मैं तो वहाँ ज़मीन पर सोती थी। कहती कहती वो फिर मायूस हो गई। अच्छा रो मत, मैं खाने के लिए कुछ लाता हूँ। वो इसके सर पर हाथ फेरते वहाँ से मोबाइल उठाकर निकल गया और मुस्कान इसकी चौड़ी पुश्त को देखकर रूम की सताइश भरी आंखों से देखने लगी। कुछ चीज़ें तो इसे समझ नहीं आई पर वो कुछ कुछ देखकर वो आंखें फैलाकर जैसे अलमारी और दूसरा फर्नीचर। बुरहान ने किचन में आकर मोबाइल ऑन किया, मुस्कुराते दाद के नंबर पर निकाह मुबारक का मैसेज भेजा, फिर मोबाइल शेल्फ पर रखा और फ्रूट्स निकालकर इसके लिए फ्रूट चाट बनाने लगा। दाद का रिप्लाई आ गया और मुस्कुरा दिया जब खैर मुबारक देखा, मतलब वो कामयाब हो गया था। फिर एक दो मैसेज के साथ अपने बाप का नंबर और सॉरी का मैसेज सेंड करते मोबाइल जेब में डाल दे ट्राई उठा रू अपने रूम में आए। ये क्या है, इतने फ्रूट कितने हैं? छोटी सी मुस्कान फ्रूट चाट में क्रीम और फ्रूट देखकर हैरत से मुख्तलिफ फ्रूट्स को देखकर बोली, जो इसे हैंड वॉश करवा रहा था। ये 10 रुपए के हैं। मुंह में डालते डालते मुस्कान का हाथ रुका, 10 रुपए में सब? वो हैरत ज़्यादा हुई, हाँ सब, नाइट ड्रेस निकालते वो हंसा, अरे यहाँ इतने सस्ते हैं? फिर मैंने 20 रुपए जमा किए हैं, मुझे ला कर देंगे ताकि अम्मा के पास खाली हाथ ना जाऊं? वो कहती से अपना दामन में बंधी गठरी खोलने लगी जिसे लगे बेड पर गिरे। बुरहान अलमारी से टेक लगा इसकी सारी कार्रवाई देखने लगा। आपको पता है ये मैंने रिजू अपने बच्चों के होमवर्क करके कमाए हैं 2-2 रुपए में, मैंने सोचा था अपनी माँ को दूंगी पर अब ये आप मुझे इन फ्रूट्स ला कर दें ताकि अम्मा को दूँ, वो खुश हो जाएंगी, अल्लाह को भी दूँगी, बाबा तो मेरे लिए गुड़िया भी लेकर आए हैं, मैं इन्हें कहा था। वो खुशी से इसे रूम में बोलती बुरहान को देखने लगी, अभी रखो सुबह ले लूँगा। वो मुस्कुरा कर कहता बाथरूम में बंद हो गया, अगर वो मजबूत साहब का मालिक ना होता तो शायद इसका दिल फट जाता। वो फ्रेश होकर आया था और वो प्लेट को उंगली घुमाकर फिर से अपने मुँह में डालकर चाट रही थी। बुरहान को हंसी आ गई, जिसे वो खूबसूरती से छुपाता ट्रे इसके सामने से उठाने लगा तो वो मुस्कुरा दी, आपके खाने तो बहुत अच्छे हैं और बहुत आसान भी, सिर्फ फ्रूट्स डालकर मैंने आटा डाला है। इसकी पुश्त को देखते वो बोली, तो इस पर बुरहान कहका लगा उठा, हाँ आटा ज़्यादा हो गया था तो डाल दिया, कैसा लगा तुम्हें? मुश्किल मुस्कुराहट रोककर वो मुड़ा और शरारत से पूछा। इसका कहके पर वो झनक गई, वो सब मुझे ज़्यादा नहीं मालूम, कभी खाना बनाया नहीं। वो अपनी सफाई देने लगी तो बुरहान सर हिलाकर ट्रे टेबल पर रख कर खुद सोफे पर आकर लेट गया। उमर देखो और खाना बनाने का सोच रही थी, आप यहाँ क्यों सो रहे हैं साहब? ये आपकी चारपाई है, आप यहाँ आ जाएं, मैं नीचे सो जाऊँगी। वो पाँव नीचे रखने वाली थी कि बुरहान ने जल्दी से कहा, नहीं आज तुम मेरी चारपाई पर सोकर देखो, मैं बेजार हो गया हूँ यहाँ सोते सोते। बुरहान के कहने पर मुस्कान ने इसे देखा, अमीर लोगों के अपने ही नखरे हैं, कहाँ इतनी ज़बरदस्त चारपाई, कहाँ एक छोटा सा सोफा। कंधे झुकाकर वापस लेट गई और आंखें मूंद गई। साहब आप कल मुझे मेरे माँ बाप के पास छोड़ आएंगे ना? कुछ देर बाद इसकी नींद में डूबी आवाज़ बुरहान की समातों से टकराई, वो लब भीज गया और कोई जवाब ना दिया। कुछ देर बाद जब कमरे में इसकी सांसों की आवाज़ गूंजी तो वो उठकर लाइट ऑफ करने लगा। बेसाख्ता नज़र इस मासूम के चेहरे पर पड़ी तो इसके माथे पर बोसा दिए बगैर ना रह सका, कम्फर्ट ओढ़ा और वापस अपनी जगह पर आट कर लेट गया। इसकी सोचों का रुख अपनी फैमिली की तरफ था। तुम्हें जानवर में कौन सा जानवर पसंद है? मुस्कान पास बैठी हूर से पूछने लगी। हूर ने सवाल पर ना समझी से नजरें उठाई, मुझे क्या पता मैंने कौन सा इन्हें देखा है। वो कंधे झुका गई, फिर भी बिल्ली कुत्ता गधा घोड़ा शेर मोर कोई भी। वो किचन में लंच रेडी करती, कुक कर
देखने लगी। मुझे नहीं पता, क्या पता ये कैसे होते हैं, मैंने कौन सा इन्हें छूकर महसूस किया है। वो मुंह बना गई सवाल का असली मकसद। तुम्हें पता है कुत्ते का एक नस्ल है जो छोटे और बहुत खूबसूरत होते हैं, इनके लंबे बाल सफ़ेद होते हैं और इंतहाई प्यारे होते हैं और प्यार भी करते हैं। वो बबल मुँह में डालती बोली। तो मैं क्या करूँ, तुम लो इसे और जो तुम्हारी तन्हाई का गिला है ना वो ख़त्म हो जाएगा, पर तुम्हें इसे बहुत मोहब्बत देनी पड़ेगी और अपने साथ ही रखना पड़ेगा। मशू के साथ वो मालूम बात भी फराहम करने लगी। मैं खुद नहीं संभाल सकती, कुत्ता क्या पालूंगी। हुरुलैन तलखी से हंसी। मुस्कान ने घबरा कर आसपास देखा, कहीं इसे हट करते किसी ने देख तो नहीं लिया, फिर इसका जायजा लेने पर लगी। ऐसी कोई मशकूक चीज़ सामने नहीं आई तो सुकून का सांस ले गई। तुम कर सकती हो, वो बहुत मासूम और प्यारा होगा। अगर इसे तुमसे मोहब्बत होगी तो जहाँ तुम जाओगी वो वहीं वहीं आएगा और तुम्हें भी अपनी मोहब्बत देगा, सोच लो। मुस्कान उठकर इसके पास आई और सरगोशी में बताने लगी। कितने का है, हुर ने सोचा ट्राई करने के लिए ये किया जा सकता है। मुस्कान की बाचे फैल गई। पैसों की परवाह मत करो, तुम सिर्फ हाँ करो और ना में जवाब दो। काटेगा तो नहीं, हुर को डर लगने लगा इतना बड़ा फैसला लेने से। नहीं पागल, बिल्कुल भी नहीं, अलबत्ता वो तो बहुत स्वीट होते हैं, सिर्फ प्यार देना जानते हैं। इसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोली। फिर क्या कहती, हाँ ला दो कल, ठीक है अगर इतना प्यारा है तो ला दो। हुरुलैन स्वाद में सर हिलाने लगी और मुस्कान का दिल फवारे मारने लगा। इसने बेसाख्ता अपनी गर्दन पर उंगली फेरी। अब आएगा मजा, सही साहब बड़ी नागवार गुजरती है ना आपको मेरी मुदाखलत। वो अपनी सोच पर मुस्कुराती हुर को देखने लगी। हुरुलैन भी लंच रेडी है, टेबल पर लगा दो, मुअद्दब सी कुक बोली। हाँ लगा दो, हम आते हैं। वो सोफे पर हाथ रख कर उठी तो मुस्कान भी थी। वो चलती डाइनिंग टेबल पर आई और एक चेयर सीट कर बैठी। मुस्कान इसके पीछे ही थी। इसके बैठने के बाद वो खुद भी बैठ गई। कुक हुरुलैन के सामने अपना बनाया गया लंच पेश करने लगी। बस मुस्कान ने देखते फिर से इसके रोका और हुर को चम्मच पकड़ाया तो वो मुस्कुराती खाने लगी और मुस्कान भी अपनी प्लेट में खाना निकाल कर खाने लगी। अब मैं जाती हूँ हुरुलैन बीबी, टेबल साफ करने और बर्तन धोने के बाद किचन की सफाई तक काम मुस्कान पर था। इसने इजाज़त लेने पर हुर ने सोचा अल्लाह हाफिज़ को तो वो पूछा ही नहीं सही से। ठीक है, वो इतनी कम इंग्लिश पर मायूस हो गई। क्या हुआ, तुम्हारा मुँह क्यों उतर गया, मुस्कान ने इसके तासुर देखते पूछा तो हुरुलैन नफ़ी में सर हिला गई। आई लव यू, बर्तन उठाते मुस्कान के हाथ ठटक गए इस लफ्ज़ पर। इसने हुरुलैन को देखा जो गर्दन अकड़ा कर कहती अब उठी थी इसे। क्यों भाई, किससे कह रही हो, दिमाग बहन दिमाग पर तो बुखार नहीं चढ़ गया, वो बर्तन रख कर बोली। एक तुम लोगों से ज़रा सी इंग्लिश में बात किया कीजिए, पता नहीं खुद को क्या समझने लगते हो। बंदे का फ़र्ज है जवाब ही दे दे, पर नहीं यहाँ तो उल्टा सवाल और बुखार कहा जा रहा है, मतलब हद है, मुसलमान का तो नाम ही रह गया है। और गुस्से से कहती वहाँ से जाने लगी। मुस्कान होनको की तरह इसकी पुष्ट को देखने लगी। वाह भाई, मुसलमानों ने कब से आई लव यू का जवाब देना फ़र्ज कर लिया। वो हैरत से बड़बड़ाती वापस बर्तन उठाने लगी। वो रूम में अकेली बेड पर बैठी थी। सही की नामौजूदगी में इसे बिल्कुल भी सुकून नहीं आ रहा था। दिल कर रहा था वो कहीं से अभी भी हवा में खींच कर ले आए और अपने बराबर सुला दे, आदत जो हो गई थी इसकी। डिनर वो सुबह वाली कुक ही तैयार करके दे गई थी जो हुर ने बमुश्किल चंद लुक में ही लिए थे, अपने रूम में बंद हो गई थी। वो पता नहीं कहाँ था, क्या कर रहा था, कुछ भी तो मालूम ना था इसके बारे में। कैसा अजीब शख्स है, वो बड़बड़ा कर करवट ले गई। मेरी ज़रा बराबर परवाह नहीं, सुबह से निकला है अभी तक नहीं आया। मुसलसल बेचैनी वो उठ बैठी और बेड से नीचे उतरी। बालों को समेट कर इसने दो बल डाल दिए और पीछे कर लिए। आहिस्ता से रूम का डोर खोलकर बाहर आई। पूरे घर में पहली मुकम्मल खामोशी ने इसका इस्तकबाल किया। वो एक पल को तो डर गई, अगर गिर गई तो या चोट लगी तो सही नाराज़ होंगे। वो आगे बढ़कर रेलिंग पर हाथ रख कर चलती नहीं, इसे मेरी कौन सी परवाह है। वो मुंह बनाकर सीढ़ियां संभल संभल कर उतरने लगी और जब वो नीचे कदम रखा तो गिरते गिरते बची। इसका दिल धक धक करने लगा। या अल्लाह आपका लाख लाख शुक्र है, वो गहरा सांस भरकर बाएं जानी मुड़ी और फिर सीधा चलती गई क्योंकि इसने कदम गिने हुए थे। स्लाइड ग्लास डोर से वो बैक साइड पर आई। ताज़ी हवा का झोंका जब इसके जिस्म के चेहरे पर टकराया तो वह गहरी सांस भरकर मुस्कुरा दी। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, वो सरगोशी में खुद से मुखातिब हुई और हंस पड़ी और कुछ कदम मजीद आगे बढ़ी और फिर नीचे बैठ गई। ठंडे ठंडे फर्श को हाथों पर महसूस करते वो मुस्कुरा कर लेट गई। इसे मालूम नहीं था वह कहाँ है, क्यों आई है, सिर्फ ये जानती थी बगैर सही के वो रूम में इस बेचैन और घुटन में मुबतला हो रहा। अब कहाँ है सही, घोसरू शगीर्द तो सुने थे पर घोसरू उस्ताद पहली बार देखा है, वो नाक चढ़ाकर कहती आंखें मूंद गई और इसे मालूम ना हुआ इसे जाना भी है वापस रूम में, वहीं सो गई गहरी नींद। सुबह की सफ़ेद किरणें दूर अफक पर फैली तब इसकी गाड़ी पोर्च में रुकी। वो उतर कर चलता हुआ अंदर आया तो अरिब ने गेट ला करते इसके पास आया।
आज देर हो गई, आरिब ने सिगरेट बूट से मसलते सिर की चौड़ी पुश्त को देखते पूछा। हाँ कुछ काम आ गया था, फिर शकील की फैमिली को पैसे भी पहुँचा दिए। आलिफ से कह देना वो अब शकील की फैमिली से दूर रहे। इसे कहने पर आरिब ने सर हिला दिया। आलिफ का निकाह हो गया? आरिब इसके सामने वाले सोफे पर बैठकर बोला। जानता हूँ, एन को मालूम हुआ। इसका इशारा मुस्कान की तरफ था क्योंकि वो एक बात पेट में नहीं रख सकती थी। मैंने नहीं बताया, आलिफ ने इसे। सईर सर हिला गया। क्या छुपाना सही रहेगा, सईर इसकी बहन है, आरिब ने इसके चेहरे को देखते कहा। अभी नहीं आरिब, दो टोक लहजे में मना किया। तुम्हारा बाजू कैसा है, आरिब ने टॉपिक चेंज किया। ठीक है अब, सईर कहते उठा और सीढ़ियां चढ़ता रूम में आया। एन कहाँ हो, मुस्कुराते लहजे में बेड को खाली देकर वो बोला। तो जल्द महसूस करे कि रूम में कोई नहीं है। एन मेरा बच्चा जवाब दो, वो हॉल नुमा इस रूम में पूरा देखने लगा, शायद वो मिल जाए, पर वहाँ कोई नहीं था, जवाब देता। अरे बाहर निकल कर वो धाड़ा जो पूरे घर में धमाके की तरह गूंज उठी। कॉफ़ी बनाता आरिब जल्दी से बाहर निकला। क्या हुआ सही, हुरुलैंड ठीक है, वो इसके कहर बरसाती नजरों से देखता फिक्रमंदी से पूछा, जब तक मुस्कान भी बाहर आ गई। एन कहाँ हो, वो मारने के अंदाज में नीचे आया। आरिब ने भी साख्ता कदम पीछे लिया, वो अपने रूम में थी सईर, मुस्कान जल्दी से बोली। सईर को अपने भाई की तरफ बढ़ते देखकर इसकी आवाज़ पर सईर ने गुस्से से अपनी बुरी आंखें घुमाई। मुस्कान के जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। मैं पूछ रहा हूँ एन कहाँ है, तुम दोनों के हवाले छोड़ के गया था, तो कहाँ है मेरी एन, आरिब के गले से पकड़ कर वो गुराया। मुस्कान के औस्तान खता हो गए। सईर मेरी बात सुनो, यहीं कहीं होगी, हम ढूंढते हैं, आरिब ने इसकी हालत समझते तो हमल से समझाया। मुस्कान भी शोर शोर से सर हिलाने लगी। हाँ सही, मैंने सोने से पहले चेक करके सोई थी, वो रूम में ही थी। मुस्कान आगे बढ़ कर रही, अगर कहीं चलते गिर गई या चोट आई तो इसे तो सिर के दिमाग में खतरे के साइन बजा। वो दोनों पर गुस्से भरी नजर डालते झटकते आरिब का कॉलर छोड़ गया। अगर इसे कुछ हुआ तो तुम दोनों की खैर नहीं, वो धाड़ता वहां से निकलकर पूरे घर को देखने लगा। इसके घर में 4-5 रूम थे, स्टोर रूम, ऑफिस, ओपन जिदी स्टाइलिश किचन, ड्राइंग रूम और डाइनिंग हॉल के अलावा बड़ा सा खूबसूरत लाउंज। उन्होंने पूरा घर देख लिया पर हूर ना मिली। सईर की ऐसी हालत थी जैसे कोई जख्मी शेर हो। मैं लॉन में देखती हूँ, मुस्कान सईर और आरिब को देखते गए जाने बाहर की जानब गई। दफातन सईर के दिमाग में ख्याल आया बैक साइड का, वो भागा। क्या हुआ सईर, मिली? सईर के बैक साइड पर ग्लास डोर के इस पर बुत बना देख आरिब पर बोला। तुम दोनों जाओ यहाँ से, इसने मुड़कर आरिब के आने से पहले कहा। तो आरिब इसे संजीदा चेहरे को देखकर सर हिला गया और वापस मुड़ गया। इसके लिए तो यही शुक्र की बात थी कि वो मिल गई थी, बाहर भी नहीं। आरिब हांफती हांफती मुस्कान अंदर आई थी। कहाँ चली गई ये पागल लड़की, वो माथा मसलती बोली। मिल गई है, सईर है इसके पास, आरिब ने कहते अपने रूम का रुख किया क्योंकि सारी रात जगने से इसे बहुत नींद आ रही थी। मिल गई पर थी कहाँ, वो इसे जाते देखकर हैरत से बोली। यार क्या है, अरे बेजारिया से मुड़ा, बैक साइड पर है। और हाँ अगर कॉफ़ी पीनी है तो मैंने किचन में बना कर रखी है, मेरा तो अब मूड नहीं है, तुम चाहो तो मेरा सदका समझ कर पी सकती हो, वो कहकर चला गया। और मुस्कान जो हुरुलैन की हरकत पर तप गई थी आरिब का सदका कहने पर मुंह में ही कुछ बड़बड़ाने लगी और पाँव पटक कर किचन में आई। इस लड़की ने तय कर लिया है, हमारी तो जान निकाल कर रहेगी, पता नहीं क्या उल्टा सीधा सोचती रहती है। और आज तो हुरुलैन की हरकत पर सोचती कप में कॉफी उंडेल कर अपने रूम में जाने लगी। और दोनों नीचे बने रूम में रहते थे, सईर ऊपर। सईर जब परेशान या सब बैक साइड पर गार्डन में नजरें घुमाए तो सामने ही बिल्कुल पूल के करीब वो सो रही थी और जरा सा हिलने की कोशिश करती पूल में गिर जाती, और फिर क्या होता वो सोचकर ही सईर के शरियाने फटने के करीब थे। इसका एक बाजू पूल के नीले पानी में लटक रहा था और दूसरा पेट पर रखा था। वो इतने ठंडे फर्श पर बगैर किसी स्वेटर या शॉल के सो रही थी। इसे गुस्सा आने लगा। सईर चलता इसके करीब आया और घुटनों के बल बैठकर पूल से इसके काले बाल निकाले। सर्द हवा लगने से शायद इसे सर्दी लग रही थी जिस वजह से वो खुद में सिमट गई थी। सईर ने नजरें इसके कमर से चुराकर चेहरे को देखा जहाँ मासूमियत का जहाँ आबाद था। इसे समझ ना आया वो क्यों यहाँ सो रही है और कब से। वो मुस्कुराता अपने पाँव को बूट के कैद से आज़ाद करवाने लगा और दूर रखे। फिर कोट उतारकर शर्ट के बटन खोलते टाई के साथ बेल्ट मोबाइल कुछ दूर टेबल पर रख दिए। अब वो था और इसकी एन जो मीठी नींद के मजे ले रही थी सब कुछ परेशान करके। इसका मजबूत चौड़ा जिस्म किसी बॉडी बिल्डर की तरह लग रहा था और 6 फुट से निकलता कद इस पर एक सहरंगेज शख्सियत का मालिक था। वह ऐसे से मुस्कुराता पूल में उतरा और तैरता हुरुलैन के बिल्कुल पास आ रुका और किनारे पर अपने मजबूत बाजू टिकाकर एक हाथ में अपने चेहरे पर फेरते बालों को पीछे कर गया। एन इसकी सरगोशी में पुकार और ठंडे पानी के छींटे मारी। हुरुलैन अपनी पानी की छींटों पर कसमसा कर दूसरी तरफ करवट बदल गई। अब सईर की तरफ पीठ थी, वो बेबी पिंक कलर में अपनी स्किन जैसे सिल्क की नाइटी सूट में मलबूस थी और काले बाल फर्श पर फैले हुए थे। सईर मुस्कुराते वापस
पानी में स्विमिंग करने लगा और कुछ देर बाद निकलकर पूल में सीधा खड़ा हुआ तो इसके भीगे जिस्म पर छोटी छोटी पानी की बूंदें चिपकी हुई थी और दोनों हाथ से अपने बालों को पीछे करते हूर की तरह था और अभी भी सो रही थी। सईद ने अपना हाथ इसके कमर में डाला और इसे अपनी तरफ खींचता। जब वो पूल के करीब हुई तो सईद ने इसे अपने बाजुओं में उठा लिया। कौन है? हूर ने एकदम घबरा कर आगे खोली। नींद तो जैसे भागी और वशसादा सी बोली, तुम्हारा शोहर। सही पानी के किनारे से पीछे होते बोला तो इसकी आंखों में सुकून ही तरह। आप भीगे हुए क्यों हैं सही? इसके सीने पर अपना हाथ रखते वो भीगापन महसूस करते। वो ना समझी से बोली, नहा कर आए हैं। वो सही के बुलंद पासुओं में थी तभी समझ नहीं पा रही थी कि वो कहाँ है। नहीं, सही ने मुस्कुराते इसके गुलाबी चेहरे को देखते कहा। इसने थोड़ा नीचे किया इसकी पुश्त पर और आगे पानी घूम गया। वो बल खाकर ऊपर हुई। सही रूम में सैलाब आ गया सही। इसका दिल धक धक करने लगा और वह चीख कर बोली। सही ने वह मुश्किल अपना कहका दबाया और फिर इसे थोड़ा सा नीचे किया। वह ठंडे ठंडे पानी को सुबह सवेरे अपने जिस्म पर महसूस करती बेतहाशा चीखने लगी, सैलाब सैलाब सही बचाओ। वह हाथ पर मारती मुसलसल चिल्लाने लगी। अब की बार सही अपना कहका दबा ना सका। एक सीधा खड़ा होकर अपने मुकाबिल किया। ये सैलाब रात को ही आ चुका था सही की जान। वो मुस्कुराता बोला। इसने देखने लगा जो हैरान शॉपसी से एक बाजू इसके गिर डाले दूसरे हाथ से पानी को चेक कर रही थी। हम कहाँ हैं? सही से लगा इसका कोई ख्वाब है पर इसके पाँव नीचे पानी में थे और सही के सहारे पानी में खड़ी थी जो इसकी कमर से ऊपर आ चुका था। हम स्विमिंग पूल में है डार्लिंग। वो इसकी कमर को दोनों हाथों से पकड़ कर खड़ा था और उन्होंने सुनते ही खौफ से दूसरा हाथ भी इसके गिर्द किया और इसके मजबूती से जकड़ लिया। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? वो कुछ डूबे हुए खौफ तो कुछ इतनी ठंड में पानी में होने की वजह से गुस्से से बोली। और टाइम क्या हुआ है? वो गुस्से को जब्त से इसका चेहरा सुर्ख पड़ गया था जो शरीर को इंतहाई प्यारा लग रहा था। मेरा बच्चा हम पूल में है और मेरी घड़ी शर्ट मोबाइल सब कुछ बाहर है। अंदर सिर्फ हम दोनों को ही आने की इजाज़त मिली है तो फिर वक्त कैसे बताऊं? और यहाँ मैं नहीं तुम मुझे लाई हो अपने करीब करने के लिए। सर कहते हुए अपने भीगे लब हुरुलैन के गर्दन पर रखे। वो काम कर रह गई और इसे याद आया यहाँ तो वो खुद ही आई थी और बैठे बैठे ही सो गई थी तो क्या वो सारी रात इधर ही सोई हुई थी? अभी वह सोच ही रही थी कि सही इसके साथ ही एक डुबकी लगाई। हूर की आंखें फट गईं। सही अपने नाक में पानी जाने से वो खौफ से लंबे लंबे सांस लेने लगी। आई लव यू सही की जान इसके कान पर अपने लब रख कर इसे कहने लगा तो इसकी हालत में भी हूर ने सर हिलाने लगी। आई लव यू टू सही जो कहने के लिए झुका ही था हूर ने एकदम इसके गले में बाहें डाली और वह जैसे ऊपर हुआ वो भी बुलंद हो गई। अपने तहत इसने सलाम का जवाब दिया जो हर मुसलमान पर फर्ज था। सही ने इसके जवाब पर नजरें घुमाई मतलब वो इसकी मोहब्बत का नहीं इस्लाम का जवाब दे रही थी। चलें प्लीज़ इसके होंठों के लम्स को अपनी गर्दन पर महसूस करते वो सिमट गई। ठंडी ठंडी हवाओं की लहर दोनों के जिस्म से टकराई और हूर को कपकपाने पर मजबूर कर रही थी। इसके भीगे लंबे बाल इसकी गर्दन और पुश्त पर चिपक गए थे। तुम यहाँ आई क्यों हो एन? इसकी गर्म सांसें हूर अपने चेहरे पर महसूस करते लब आवाज़ दबा गई। मुझे रूम में नींद नहीं आ रही थी। वो इससे ये नहीं कह सकती कि आपको कौन सी मेरी परवाह है जो पूछ रहे हैं ये भी ना कह सकी। अपनी गैर मौजूदगी में वो रूम में इसकी सांसें घुटने को तैयार थी। इसे मार देना चाहता था अकेली देखकर डर लग रहा था। इसका चेहरा दो उंगलियों से ऊपर करते मोहब्बत से पूछा और कहना चाहती थी आपकी पनाहों में आकर डर तो नहीं कहीं दूर भाग गया है? एक सुकून है जो मुझे अपने माँ बाप की मौजूदगी में मिलता था। एक एहसास है जो इसका दिल धड़कने पर मजबूर करता है पर इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी ये सब कहने की या इससे भी कुछ कहने की। तभी बेसाख्ता इस बात में सर हिलाने लगी। तुम्हें रूम से बाहर आने नहीं चाहिए था डार्लिंग। इसे बाजू में बिठाकर स्विमिंग पूल से बाहर आया और ज़मीन पर खड़ा किया। हूर ने कोई जवाब नहीं दिया अलबत्त अपने भीगे लिबास की वजह से इससे अलग हुई हो रही थी। सही इसके हया से गुलनाज चेहरे को देखते मुस्कुराए। इसके साथ लेकर टेबल के करीब पहुंचकर अपना कोट और शर्ट उठाकर शर्ट खुद पहनी और कोट इसे पहना दिया। एक पल को इसकी नज़रों से ने बगावत की पर इसने सख्ती से अपनी नज़रों पर पहरा बिठाए हुए इसे अपनी बाहों में उठा लिया। तुम्हें चोट आ सकती थी सीढ़ियाँ चढ़ते वो बोला और हूर खामोश रही। हाँ ये तो सच था इसे चोट भी आ सकती थी पर क्या करती जब दिल्ली से बगैर रूम में रहना ही नहीं चाहता था। रूम में आकर इसने नीचे उतारा तो हूर दोनों हाथों से कोट को पकड़ गई जो काफ़ी खुला और लंबा था घुटनों तक आ रहा था। सही ने आगे बढ़कर वार्डरोब से इसका ड्रेस निकाला इसके हाथ में थमाया। तुम चेंज करो मैं मोबाइल बूट लेकर आता हूँ इसके गाल थपथपा कर कहते वो वापस बाहर जाने लगा। इसके गैर मौजूदगी महसूस करते हूर ने गहरा सांस भरकर कोट उतार कर वो नीचे रखा अपने बाल समेट कर वो आगे रखती
पीछे पहनी हुई शर्ट को जिप को बंद करने लगी, जो काफी मुश्किल थी। वह दफातन पीछे से उंगलियों के लम्स महसूस करती, इसकी आंखें फट गई और मुंह पर हाथ जमाए। सर आप, इसने बोलना ना गया और चेहरा तपकर सुर्ख अंगारा हो गया। वो घबरा कर दूरी इससे के पाँव में अपने नीचे पड़े कपड़ों से उलझ कर गिरने वाली थी कि एकदम सही ने आगे बढ़कर इसे थामा। वो आकर तीन लंबे लंबे सांस लेने लगी, जो इस सूरत हाल से फूल गया था। सही ने अपनी उंगली इसके कामते लबों पर रखी। हूर जो सर हिलाकर अपनी आंखें मीच गई थी तो सही ने इसे अपने पाँव पर खड़ा किया। वो आहिस्ता से दूर हुई और चलती गई, फिर से ठोकर खाकर गिरने वाली हुई। एक बार फिर से इस कमर से पकड़ कर थामा इसे। वो बदहवास सी थी, समझ नहीं आ रहा था वो क्या हो रहा है। कुछ ना समझ आते इसे सही के सीने में मुँह छुपा लिया। नाश्ते में क्या लोगी? इसके भीगे बालों के ऊपर हाथ फेरते इसे अपने साथ लगाए खड़े वो इससे पूछने लगा। कुछ भी, इसने शर्ट के बटन पर उंगलियाँ रखते हुए हकलाई। आप रात को कहाँ थे? वो खुद ही खामोशी से खफा हुई। कुछ काम से गया था शहर से भाई, इसे अपने साथ लेकर वो बेड पर बैठा। तुम बताओ क्या किया सारा दिन? मोबाइल टेबल पर रखते मुस्कुरा कर बोला तो वो मुंह बना गई। क्या कर सकती हूँ, बोर होती रही। इसका मुंह फूल गया। सैर की नजरें इसके नाखून पर गई जहाँ ब्लैक नेल पेंट लगाई गई थी। ये क्यों लगाई? गुस्से से इसके दोनों हाथ की उंगलियाँ ऊपर की। ये अच्छे लग रहे हैं मेरे हाथ में, वो खुश होती बगैर इसके गुस्से भरी आवाज़ पर ध्यान दिए अपनी रूह में बोली। सही ने लब भींच कर अपने नाखूनों से अब इसे खुरचने लगा, जो बहुत मुश्किल थी उतरना। ये उतरेगा नहीं कलर। वो पानी लेकर आया और इसकी उंगलियां डुबो कर इसे उतारने लगा, जो नामुमकिन था और खामोशी से बैठी थी। कैसे उतरेगा? वो अब सर्द आवाज़ में बोला। इसे नफरत थी बनावट से, इसे अपनी ऐन वैसे ही अच्छी लगती थी जैसी थी, ना कि ये रंग शंग लगाकर। मासूम की बजाय सफ़ेद गुलाबी हाथ पर ब्लैक नेल पेंट, बाहर की लड़कियों से मुशाबत रख रहे थे जिन्हें ही मालूम, नूर और मुस्कान को पता होगा। शायद नेल पेंट रिमूवर से एक नेल पेंट दांतों के बीच रखते इसे बताया। इसकी हरकत पर सईद ने घूरा, क्या कर रही हो? इसका हाथ एकदम पकड़ा और अपने हाथों में ले लिया। मुँह में डालना, मैं रिमूव लेकर आता हूँ, वो कहता उठा और जल्दी चेंज करने लगा। बाहर निकला और सीढ़ियां उतरता वो चलकर मुस्कान के रूम के सामने आते नॉक करने लगा। लड़की बाहर निकलो। मुस्कान जो बेड पर बैठी लैपटॉप चला रही थी, जो इसे आर्मी में चलाना सिखाया था, नॉक होने पर इसे साइड रखती उठी। रिमूवर दो, गुस्से से घूरते सही ने कहा। कैसा रिमूवर? मुस्कान हैरत से अब रुचका गई। एन के नाखूनों पर लगे नेल पेंट का रिमूवर, वो कहता अंदर घुस गया। मुस्कान समझे अपनी मुस्कुराहट रोकने लगी। ड्रेसिंग टेबल पर रखे मुख्तलिफ मेकअप की अशिया देखते इनमें से रिमूवर ढूंढने लगा। इसकी नज़र ब्लैक नेल पेंट पॉलिश पर गई। गुस्से से दांत पीस कर इसने एक नज़र मुस्कान को देख जानी मुड़ा, जो इसे ही देख रही थी। कहाँ है वो? वो गुस्से से घुराया। दे रही हूँ, मुंह बनाकर कहती वो द्रास से निकाल कर इसके सामने करने लगी। झपट कर गुस्से से सही ने इसके हाथ से लिया और दूसरा हाथ फेर कर टेबल से सब कुछ नीचे गिरा दिया। खबरदार, अगर आइंदा ऐसी कोई चीज़ इसे लगाई, उंगली से वॉर्न करते वो धप धप करता वो जहाँ से निकला। पीछे मुस्कान सकते में खड़ी थी मुठियाँ भींच कर। मेंटल इंसान एक्सरे करते देखता है अपनी बीवी को। वो पीछे से नीचे आवाज़ में अपने टूटे पूरे मेकअप के सामान को उठाने लगी। सही अच्छे नहीं लग रहे, उंगलियों से नेल पॉलिश उतारते वो सही से बोली। तुम जैसी हो वैसी अच्छी लगती हो, ये गंद मत लगाया करो। नेल साफ करने के बाद वो नेल कटर से नेल्स काटने लगा तो हूट चेहरा गुलाबी पड़ गया। ऐसी ही इसे जैसे यकीन ना आया हो, तभी सरगोशी में बोली, क्यों शक है कोई? उंगलियां पानी में डुबोकर साफ करती इसने अब रुचका कर उन्हें बेसख्ता नफी में सर हिलाया। इसके लबों पर तबस्सुम फैला। गुड होना भी नहीं चाहिए मेरा बच्चा। वो उठा और रिमूवर बाकी सब कुछ डस्टबिन में डाले, फिर इसका चेंज किया ड्रेस उठाकर बाकी के ड्रेस के साथ रखने। नाश्ता करने के बाद वो वापस रूम में आया और इसे अपने साथ लेकर बेड पर लेट गया। और इसके बाजू में पड़ी थी और सही आंखें मुंधे सोने लगा। वो मुस्कुराती अपनी उंगली इसके नाक के करीब रखती इसकी सांसों को उंगली पर महसूस करने लगी और मूंछों को चुबन इसे इन्हें छूकर बेसाख्ता ही उंगली सईद के लबों पर रखी। इसके लम्स पर सईद ने आंखें खोली और इसके मुस्कुराते चेहरे को देखा। इसके निबल मजीद नुमाया हो रहे थे जब वो इसकी मूंछों को छू रही थी। सईद ने आहिस्ता से मुंह खोला तो हूर की उंगली इसके मुंह में चली गई। वो चौंकी पर तब तक सईद इस पर अपने दांतों का दबाव दे चुका था। आ, इसके मुँह से सिसकी निकली। सोने दो फिर, गाल पर लब रखते वो पीछे हटा तो हूर अपनी आंखें मसलने लगी। बहुत बुरे हैं आप, वो मुंह बनाकर कहती उठने लगी कि सही ने गिरफ्त मजबूत कर दी और वो बेबस होकर इसकी गिरफ्त में रह गई। आपकी मोबाइल दे, मुझे सॉन्ग सुनने हैं। इसके मांगने पर सही ने साइड टेबल पर रखी अपने मोबाइल उठाई और साथ हैंड फ्री भी और मोबाइल से कनेक्ट करते इसके कान में लगाए और खुद वापस लेट गया और मुस्कुराती इसके सीने पर सर रख कर लेट गई। एक हाथ में मोबाइल था और दूसरा सईद के बालों में और इसके बालों से खेलती गाने सुनने लगी तो सईद अपनी मुस्कुराहट मुस्कुरा कर अपनी प्यारी और छोटी सी दुनिया को देखता आँखें मूंद गया।
एलवी हाउस में इस वक्त डाइनिंग टेबल पर इस कमाल साहब, आसिया बेगम, नूरुलैन दाद मौजूद थे, साथ नरगिस बीबी थी जो थी तो एक मुलाजमा पर जमाल साहब और मशल बीबी के बाद इनके माँ बाप के दर्जे पर आ गई थी और इसका मुकाम भी वही था। नूरुलैन ने वाला मुँह में डालती जो उसका गिलास उठाने लगी, इसी पर दाद ने भी हाथ बढ़ाया, इसकी उंगलियों पर अपनी उंगलियाँ रखते वो इसकी आंखों में देखता हाथ नीचे कर गया। दूसरी तरफ नूर ने भी एकदम हाथ पीछे किए जिसे करंट लगा हो, ये दाद को क्या हुआ, बिल्कुल बदला हुआ है, इसने गुस्सा पीते सोचा और बीका दिया हुआ ग्लास इसने मुंह से लगाया। नाश्ते के बाद सीधे ऑफिस पहुंचो, खबरदार किसी दोस्त के पास गए तो, नैपकिन से हाथ साफ करते कमाल साहब दाद से बोले। वो फरमाबरदारी की मिसाल कायम करता सर हिलाने लगा। कमाल साहब का मूड सुबह से ही खराब था जब इसने बुरहान को सॉरी वाला मैसेज पढ़ा था। अब से कई बार वो आसिया बेगम को भी झड़क चुके थे और बहाने बहाने से सब पर गुस्सा निकाल रहे थे। तैबो मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, नूरुलैन ने कमाल साहब को देखा जिन्हें माइनर हार्ट अटैक आ चुका था जिसमें मरीज कम से कम 5 या 6 दिन बेड पर होते हैं और कमाल साहब तीसरे दिन इनके बीच सही सलामत बैठे थे जैसे इनके साथ कुछ हुआ ही ना हो। कोई ज़रूरत नहीं, अब तुम यहीं रहोगी, वो अपना गुस्सा दबाते बोले तो नूर आंखें फैलाए देखने लगी। नूर बेटा अब ये तुम्हारा घर है, कुछ दिनों में तुम्हें यहीं आना है, फिर यहाँ से जाना क्यों, यही कहना चाहते हैं। तुम्हारे तायाबू आसिया बेगम से हैरत से देखकर जल्दी से बात संभाल गई और उठकर दाद को रेडी होने का कहने कमाल साहब के पीछे गई। नूर ने दबदबाती आंखों से सर झुकाया गई। कमाल भाई सही कह रहे हैं नूर बेटा, बी ने इसे हौसला देने के लिए कंधे पर हाथ रखा और उठकर वहां से जाने लगी। अब सिर्फ वहां दाद और वो ही थे। क्या घूर रहे हो, वो गुस्से से ब्रेड दाद के मुंह पे फेंकती चलाकर वहां से भागी। दाद ने ब्रेड टेबल पर रखते इसका जूस का गिलास उठाया और अपने लबों से लगा लिया मुस्कुराते। रो क्यों रही हो, अम्मी अबू ने गलत तो नहीं किया, नॉक करते वो रूम में दाखिल होता बोला। नूर ने आवाज पर अपना चेहरा साफ करते गुस्से से देखा, मेरा कोई मूड नहीं है तुम्हारी बकवास सुनने का, प्लीज दफा हो जाओ यहाँ से, नागवारी से कहती वो मुंह मोड़ गई। ओ सो सैड, कुछ दिन की बात है फिर तुम मेरी बकवास ही सुनने पड़ेगी मेरी बोनी, वो इसके सामने खड़ा होता मुस्कुराहट छुपा कर चढ़ाने वाले अंदाज में बोला। हाँ अब जताओ मुझ पर कि अकेली लड़की पर कुत्ता भी हावी है। ताज जो मुस्कुरा रहा था कुत्ते लफ्ज पर इसे घूरा। लड़की कुत्ता किसे कह रही हो, मैं तुम्हारा मिजाजी खुदा हूँ, इसने गर्दन अकड़ा कर कहा। अकलमंद इंसान के लिए इशारा ही काफ़ी है, बुजदिल कहेंगे, वो बड़बड़ाई। अगर मैंने बहादुरी दिखाई और अकलमंदी दिखाई तो तुम खुद को देखते शर्माओगी, वो मैंने खेस सा बोला तो नूर गुस्से से दांत पीसे। अब इस बकवास करने के अलावा तुम हमारे पास बचा ही क्या है, वो कहती इसके सामने खड़ी हुई और अपना कद देखकर खुद ही शर्मिंदा हो गई। दांत ने दिलचस्पी से इसके सुर्ख पड़ते चेहरे को देखा, ये कहते हुए झुककर इसके गाल पर अपने लब रख दिए और वो मज़ाहमत भी ना कर सकी। पलक झपकते वो दूर हुआ फासले पर। नूर को तो हवा का झोंका ही लगा, इसे अपना वहम लगा, शायद वो करीब ही ना आया हो या कोई वहम हो, पर नहीं, इसका नर्म गर्म लम्स अपने गाल पर महसूस करते इसके जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। दुआ करना पहला दिन है ऑफिस में, तुम्हारा नया नवेला शोहर कामयाबी के झंडे घर कर ही लौटे, बोलो आमीन, आंख दबाकर कहते वो जैसे आया था वैसे ही चला गया और पीछे कुछ ना सोचते नूर ने चीखते कुशन फेंका। कमीने जलील इंसान, वापस आओ फिर बताती हूँ, वो अपनी जूती भी फेंकने लगी जो डोर से टकराकर वापस आई। दांत कहका लगाकर वहां से निकला। अच्छा ये फ्रेश अप खाओ और फ्रेश करो को दिमाग को मेरे लिए, वापिस मुड़ते इसने बबलगम इसकी जानी फेंका और वहां से भाग कर आया और अपने रूम में। नूर जब तक पहुंची वो डोर बंद कर चुका था, तभी वो गालियों से नवाज सिर्फ पाँव पटक कर अपने रूम में बंद हो गई। आप पुलिस में हैं, डाइनिंग टेबल पर बैठे मुस्कान मुंह में ब्रेड का पीस डाल दी बुरहान को पुलिस वाली वर्दी में देखकर हैरानगी से बोली। मैं पुलिस वाला हूँ, इसके गाल थपथपा कर जवाब दिया और नाश्ता करने लगा। फेरी मैं वापस आते तुम्हारे ड्रेस और बुक्स लेकर आऊँगा, तब तक तुम यहीं रहना और बाहर मत निकलना, जूस का गिलास इसके मुँह से लगाते बुरहान ने मोहब्बत से कहा, जिस पर मुस्कान सोचती सर हिला गई। आप कब तक आएंगे साहब, मुंह साफ करते बुरहान को उठते देखकर पूछने लगी। साहब नहीं दोस्त कह सकती हो, वो घुटनों के बल इसके सामने बैठा। मुस्कान की आंखों में पानी आ गया। आप पहले कहाँ थे, इसने अपनी रोती हुई रातें याद की तो बुरहान के गले लगकर रोने लगी। बुरहान के पास कोई जवाब ना था देने के लिए। चलो शाबाश रोना बंद करो और मुझे अल्लाह हाफिज़ कहो, इसके चेहरा साफ करते वो मुस्कुराने लगा और वह शर्मा गई, जिस पर बुरहान कहकर लगा उठा। फेरी शर्माती भी है भाई, शरारत से बोला तो वो हंस पड़ी। साहब ऐसे ना कहें, मुझे सच में शर्म आती है, वो खिलखिलाई तो बुरहान का जानदार कहका था। अरे पर मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, बुरहान हंसते हुए अनजान हुआ तो इसने इसे देखने लगी। साहब अम्मा के लिए फ्रूट्स ले आकर देंगे, वो इसके सामने मासूमियत से कहती बोली। बेटा जहाँ आपकी मम्मा है पापा है वहाँ अच्छा नहीं,
अपने पास संभाल कर रख लो, जब हम वापस जाएंगे तो लेकर चलेंगे। इसने इसकी मासूम शक्ल देखकर कह ना सका, तुम्हारे बाप जहाँ हैं वहाँ हम नहीं जा सकते, और हाँ ये आखिरी बार था साहब, अब सिर्फ दोस्त का होगी क्योंकि मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं, बिल्कुल अकेला हूँ। वो मायूस हुआ, जिस पर मुस्कान को हंसी आ गई। इतने लोग मौजूद हैं, आपके अकेले कैसे हैं? इसके साथ रूम की तरफ जाती मुंह बनाकर बोली, ये मेरे दोस्त थोड़ी हैं, ये तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, मुझे एक दोस्त चाहिए जो मेरे साथ रहे। इसने सोफे पर बिठाकर बस साथ बैठा जो मुस्कान इसकी शक्ल देखने लगी। पर मुझे तो जाना है अपने माँ बाप के पास, वो इसके मजबूत हाथ में अपना छोटा सा हाथ रख कर बोली। बुरहान ने गहरा सांस खारिज किया, देखो फैरी, जहाँ तुम्हारे माँ बाप गए हैं ना वहाँ हम लोग नहीं जा सकते, जो लोग जाते हैं वो वापस नहीं आते क्योंकि वो अल्लाह के पास जाते हैं, जहाँ हमें जाने की इजाज़त नहीं, जब इजाज़त मिलती है तो हम जाते हैं, ऐसे नहीं जाते क्योंकि वो अपनी मर्जी से बुलाता है सबको। इसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भर कर वो मोहब्बत से धीरे धीरे बताने लगा। मुस्कान की आंखों में आंसू आ गए, क्या मुझे इजाज़त नहीं दे सकता अल्लाह, मुझे अपने माँ बाप के साथ रहना है, जैसे रिजू इरफान सभा रहती है, मुझे भी ईद के कपड़े, ईदी चाहिए बाबा से, मेरे पास गुड़िया नहीं, किताबें नहीं, कुछ भी नहीं, मामी मारती है, खाना नहीं देती, फिर भी अल्लाह मुझे इजाज़त नहीं देंगे, वो तो सब कुछ देखते हैं, मुझे भी देख रहे होंगे, फिर भी इजाज़त नहीं देंगे, वो कह रही थी और बुरहान जब्त से सुन रहा था। मुझे मामू मामी के पास नहीं जाना साहब, वो मारेंगे फिर घर से भागने पर, आप अल्लाह से इजाज़त मांग ले, आप बड़े हैं, आपकी तो ज़रूर सुनेंगे। इसकी बात पूरी हुई तो बुरहान ने अपने सीने से लगाया जैसे अपना जिगर का टुकड़ा हो। क्या आप अपने दोस्त के पास रह सकती हो फैरी, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें मेरे लिए भेजा है, मैं अकेला हूँ इसलिए। मुस्कानी से देखने लगी कि अब क्या कहे, अल्लाह पाक ने भेजा है मुझे, इसे यकीन ही ना आया, और तुम्हारे माँ बाप भी खुश होंगे तुम्हें मेरे पास देखकर। इसने सर पर बोसा देकर बुरहान से बोला, बुरहान वो सर हिला गई, अल्लाह ताला अम्मा बाबा को खुश करने के लिए मैं सब कुछ करूँगी, क्योंकि पहले मैं अम्मा को बहुत तंग करती थी, अब नहीं करूंगी ताकि वो मुझे जल्दी से आ जाए। बाकी के अल्फाज बुरहान ने इसके मुंह पर उंगली रखकर खामोश करवा दिया। घर में ही रहना और चाहे तो पूरा घर देखना, एक मुलाजमा मौजूद है, वो तुम्हें दिखा देगी, अपना ख्याल रखना अपने दोस्त के लिए, मैं जल्द ही वापस आऊँगा। इसने रुखसार थपथपा कर एक खड़ा हुआ तो मुस्कान मुस्कुराती आंखों से इसे देखने लगी। साहब दूसरे साहब तो बहुत कड़क होते हैं, आप इन्हें नरम कैसे, मेरा मतलब दूसरे पुलिस वाले बहुत तेज़ होते हैं, पर आपने अब तक तेज आवाज में भी बात नहीं की, क्यों? दोनों पांव सोफे पर रखते वो बुरहान की पुश्त को देखते बोली, बेटा अपनी उंगलियां देखो। इसके कहने पर मुस्कान ने अपनी पतली सी जुबान पर उंगलियां देखी, क्या सब बराबर है? बालों में ब्रश घुमाते इसने पूछा तो मुस्कान ने नफी में सर हिलाया, इसी तरह हम सब पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते, हर किसी का मिजाज अलग होता है, कोई इंसान तेज तबीयत का है मालिक होता था, कोई नरम। वो मुस्कुराता रेडी होकर बोला, तो समझते सर हिला गई, आज ऐसे ही बोर होते दिन गुजरा और शाम को शॉपिंग पर चलेंगे। वो मुस्कुराते बोला तो मुस्कान हंस पड़ी, फी मानिला डोर पर आकर पीछे से बोली, तो बुरहान ने मुड़कर इसे देखा, किस नेकी के बदले इसे रब पाक ने प्यारी सी एंजल भेजी है। वो समझ न सका, मुस्कुराहट पास करते सीढ़ियां उतरते सीधा किचन में आया, वहाँ मौजूद मुलाजमा को चंद हदायत देते मुस्कान का ख्याल रखने की ताकीद करते वहाँ से निकला और गाड़ी में बैठा। गार्ड्स को भी सख्त पहरादारी का कहकर गया, कहीं वो चली ही ना जाए, समझ ना थी इसे, एक दृंदे से बचकर दूसरे के मुंह में ना जाए, क्योंकि दुनिया भरे पड़ी है ऐसे हैवानों से जो ताक में होते हैं, कहीं से कोई मासूम इनका शिकार बन जाए। एसपी की गाड़ी के निकलते पीछे गेट बंद कर दिया गया। ओके गाइस, अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, अपना ख्याल रखिएगा, फेमानिल्ला।